लेकर के या फिर चैप्टर में किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो आप आराम से यहाँ पे बोल सकते हैं, हाँ सर ये चीज नहीं समझ में आया है, वापस से रिवाइज कर दूंगा, उसको रिवाइज करूंगा। जी सर, ठीक है। चलो, कुछ कुछ लोग तो जाने पहचाने लग रहे हैं, कुछ कुछ लोग तो थोड़ा जाने पहचाने भी नहीं लग रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया है ना, बहुत ही अच्छा गैप मिला है, इसको मिसयूज ना करके है ना, फेसबुक और व्हाट्सएप और सोशल साइट पे जाकर के अपना टाइम वेस्ट ना करके बहुत अच्छे से अपने ऊपर और अपने सब्जेक्ट के ऊपर काम करें, है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बहुत ही लकी है, लकी इसलिए कह रहा हूँ कि आपको 2 से 2.5 महीने एक्स्ट्रा मिल गया। हम लोगों को टाइम में तो ऐसे ढूंढते थे यार कि मिल जाए तो मजा आ जाए, तो आप लोग बहुत ही लकी है और इस लकी का कह सकते हैं, इस लकी टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, किसी भी चीज को छोड़े नहीं। अब तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप हर चीज को कवर कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस अगर मान लीजिए कोई चैप्टर बहुत ही ज्यादा टफ है, बट आप उसके थोड़ा थोड़ा भी कॉन्सेप्ट ग्रैप कर रहे हैं, तो उनके क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन जरूर करके रखें, है ना, ताकि मेंस में अगर बेसिक क्वेश्चन भी आता है तो आपसे छूटे ना। ठीक है, लाइट वाइट का कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और अगर हाँ वॉइस का कुछ दिक्कत है तो वो भी बता दो मेरे को, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं सर, सब ठीक है, वीडियो थोड़ा लूज रुक रुक के चल रहा है ना, पेन पेपर लेके वीडियो था और साइड में पबजी का है ना, साइड में पबजी मत चलाने लगना, सारे स्टूडेंट ऐसे ही होते थोड़ा सा मेरा ये तो लॉग ही था सर, थोड़ा पबजी खेल लेते हैं या तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट चैट है उसको थोड़ा सा रिप्लाई दे देते हैं, कोई इंतजार भी कर रहा होगा सर, बहुत जरूरी है ना, तो ऐसा ऐसा थोड़ा सा वाक्य को थोड़ा सा दूर रखें, ज्यादा नहीं, 1.5 घंटे का डेडिकेशन दिखाना है सर, वीडियो बार बार सबको मिला है, वीडियो बार बार रुक जा रहा सबका नहीं रुक रहा है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमने पढ़ाया था बेसिकली क्या है कि मेरे पास क्वेश्चन का फॉर्मेट है, अपने पास भी है, और आप भी अपना क्वेश्चन निकाल लीजिए, ठीक है, और मैं आपको काउंट करके यहाँ पे बताऊंगा, जिनका भी डाउट होगा उस क्वेश्चन में आप है ना अपना स्पीकर ऑन करके बताएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन को जिसको डाउट होगा वो अपना माइक अपना ऑन करेंगे, अपना डाउट बताएंगे, यहाँ सर ये क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, ठीक है, आराम से क्लियर हो जाइए कि मैं जो डाउट यहाँ पे लिखूंगा या जो क्वेश्चन लिखूंगा उसमें आपको डाउट है, उसमें आपको स्पीकर ऑन करना है, आपको बता देना है सर ये मेरा क्वेश्चन इसमें डाउट है। अच्छा, मान लीजिए किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरा भी यही डाउट था, वो भी आराम से कर सकता है, ऐसे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो, तो मैं मार्क करवाता हूँ, जैसे आपके पास डीपीपी मिला होगा है ना, डीपीपी में आपने देखा होगा उसके डोमेन में पहला लिखा हुआ है, ठीक है ना, सभी के पास में। चलिए, तो डोमेन का मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, आवाज जा रही है सभी को? यस सर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद, है ना, 1 में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। किसी को डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू किसी को डाउट है? सर है टू। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 एक बच्चे का डाउट है, हम लोग देख लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आइए, है ना, सभी लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन, तो उसने बोला है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाले, अगर फंक्शन दे रखा है अपने पास में, है ना, पहले देखेंगे अच्छे से चीजों को, रूट ऑफ है ना माइनस ऑफ लॉग है ना 0.3 इसका बेस है और इसका जो नंबर दे रखा है x माइनस 1, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 8, है ना, ये फंक्शन है। हां चलिए ध्यान समझते हैं, बहुत ही बेसिक सा कांसेप्ट है, इसमें गड़बड़ाने का बिल्कुल बात नहीं। चलिए पहले ना इसका बेसिक समझ लेते हैं, साइड अपन बेसिक कर लेंगे, इससे आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट में अगर कोई फंक्शन लॉग दे रखा हो, लॉग एफ, है ना, समझना अच्छे से एक एक चीज को, अगर कोई भी फंक्शन अंडर रूट में अगर लॉग फंसा हुआ है तो हम लोग क्या करें, सर आवाज सुनाई नहीं दे रहा आपका, सर वॉइस नहीं आ रहा है, आपका म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज आ रहा है? हाँ सर। चलिए ठीक है, अपना अपना स्पीकर ऑफ कर लेना, ठीक है, ऑन कर रहा हूँ, चलो ठीक है, कैमरे में आ जाऊंगा फिर दिक्कत होगा तुमको, चलो ध्यान, चलो फिर समझना, मैंने क्या बोला कि अंडर रूट में कोई भी फंक्शन होगा और अंडर रूट में कोई भी फंक्शन रहे तो पहली बात होता है कि अंडर रूट का जो इलाज होता है, भाई सब समझ लेना कि अंडर रूट में कोई भी फंस जाए तो अंदर में जो बैठा हुआ व्यक्ति होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कैसा पॉजिटिव होगा कि लॉग एफ एक्स है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली बात तो ये है, ये बेस कुछ भी हो सकता है, पहला काम ये हो गया कि पहले इस रूट का इलाज किया, डोमेन के लिए हम लोग एक एक करके बात करें,
पहले इस रूट का इलाज किया फिर अंदर जाएंगे भाई। अब अंदर में पहले तो रूट का इलाज हो गया, रूट के बाद में जो अंदर में फंक्शन है फिर लॉग के लिए इलाज करेंगे, ठीक है। अच्छा लॉग कब डिफाइन होता है? लॉग डिफाइन तब होता है जब ये फंक्शन, यानी क्या ये फंक्शन कैसा हो, पॉजिटिव हो, पहला काम। एंड दूसरा काम ये होना चाहिए आपका कि जो बेस है बेस पॉजिटिव हो। एंड तीसरा काम आपका ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो बेस है वो इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। यहां तक में किसी का डाउट तो नहीं है? चलिए तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अंडररूट में कोई भी फंसेगा तो अंदर वाला पार्टी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको पता है कि अंडररूट में अगर मैं माइनस वन लगा दूं तो ये इमेजिनरी चला जाएगा और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ना है, बेसिकली एक फंक्शन नहीं है दो दो फंक्शन। तो मैं इसको लिख लेता हूं बहुत अच्छे से, पहले मैं इसको लिख रहा हूं कि अंडररूट ऑफ माइनस लॉग है ना 0.3, ध्यान समझना चीजों को, और यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वन, ठीक है। ये एक फंक्शन नहीं दो दो फंक्शन, मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसके लिए डोमेन निकालते, तो जब इसके लिए जब डोमेन निकालेंगे तो इसके लिए डोमेन निकालेंगे पहले अंदर वाले फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाएंगे। तो मैंने लिखा माइनस ऑफ लॉग बेस 3.3 और यहाँ लिखा x माइनस वन और यहाँ लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सही है, किसी को डाउट नहीं है। चलिए अब इसकी बात करते हैं सर, इसने अभी आपने रूट का इलाज किया, अब क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले ध्यान से देख लेते हैं कि रूट के लगने के बाद में फिर यहाँ पे लॉग के बारे में बात करते हैं। लॉग कौन है, माइनस ऑफ लॉग 0.3 है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स और एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस वन, सही है, एक्स माइनस वन ही देखा ना, एक्स माइनस थ्री तो नहीं है, लिख लीजिए एक्स माइनस वन ही है ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया, अब हाँ अब ध्यान समझना, मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत अच्छे से समझना, क्या इसका बेस पॉजिटिव है, यानी ए जो लिख रखा है 0.3 है, ये 0.3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सेटिस्फाइड है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, वेरिएबल नहीं है ये। अच्छा क्या यहाँ पे 0.3 जो है क्या वो इक्वल टू वन है, नहीं, तो ये दोनों केस से सेटिस्फाइड हो गए। अब तीसरा केस सेटिस्फाइड, क्या एफ एक्स जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो एफ एक्स जो जीरो से बड़ा होना चाहिए ये फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एक्स माइनस वन शुड बी कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा। तो यहां से एक इक्वेशन आया x से ग्रेटर वन, तो यहां से पहला आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 से इंक्रीमेंट, सही है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं आता। चलिए अब दूसरा सवाल, अब यहां पे देखिए, जब पहले कभी भी इन इक्वेशन सॉल्व करें तो माइनस को पहले आप हटा दें, सही है, तो माइनस को हटाने से पहले नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा लॉग 0.3 और यहां बच गया x माइनस 1 और ये बनेगा टेंशन जीरो, सही है। अब क्या करना है, क्योंकि अब मेरे को लॉग हटाना है, एंटी लॉग लेना है, और याद रहे कि एंटी लॉग लेते हैं इसमें लॉग का बेस के ध्यान देना है, अगर बेस वन से बड़ा होगा तो साइन ऑफ इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, और अगर बेस वन से छोटा साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होगा तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज। हां तो देखो यहां पे लिख सकते हैं बेस लेस देन 0 है इसलिए साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इक्वेशन स्पीकर ऑफ कर ले अपना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझना, इसको जब यहां से लॉग हटाएंगे तो लॉग हटाते समय पर लिख रहे हैं कि x माइनस वन, अब क्या लेस देन की जगह पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है, अब यहां पे लिख लेता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये अपना पहला आंसर इधर है, ये अपना दूसरा आंसर, अभी चीजों को समझते जाइएगा। अच्छा अब ध्यान दे रहा है, ये तो अपना दो आंसर यहां से आ गया, अगर मैं दोनों को इंक्लूड करूं ध्यान समझता तो क्या कह रहा है, यहां 1 ले लेते हैं, ये बोल रहा कि 1 से ओपन इनफाइनाइट, सही है, और ये बोल रहा 1 पे क्लोज इनफाइनाइट, तो क्लोज माने यहां से इनफाइनाइट, सही है ना। तो यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो ये इधर से लेकर के ऐसा कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे x belongs to open one से इनफाइनाइट, सही है। अच्छा बात ये होता है कि सर यहां ओपन है यहां पे क्लोज है, दोनों क्लोज रहता है तभी लेते हैं, ओपन और क्लोज में हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा अब यहां तक ये आंसर आ गया, अब दूसरा देखते हैं, अपने को पता है कि वन अपॉन अंडर रूट में कोई भी फंक्शन आ जाए तो अपने को पता है, अभी अभी हमने सीखा है कि अंडर रूट में कोई फंक्शन तो ग्रेटर देन जीरो होगा इक्वल टू में, अगर वन अपॉन अंडर रूट में फंक्शन आ जाए तो अपने को सिर्फ इतना करना है कि फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर मैंने इक्वल टू जीरो लगा दिया तो ये डिनोमिनेटर पार्ट जीरो हो जाएगा और वन अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल टू टेंस टू जीरो हो जाएगा, सॉरी टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा अगर मैंने इक्वल टू यहाँ जीरो लगाया, सही है, तो सिर्फ ओपन ब्रैकेट के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 ओनली ग्रेटर देन जीरो, सही है साहब। अच्छा और अच्छे से चीजों को समझते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डी है ना लेस देन जीरो, कैसे पता चला सर, आप देखेंगे कि ये बी स्क्वायर यानी 4 माइनस ऑफ 4ac यानी 32, आप देखेंगे कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, सही है, तो डी लेस देन 0 है और यहां पे जो 1 बैठा है यानी a ग्रेटर देन 0, आपको कंडीशन याद होगा कि अभी कोई भी क्वांटिटी में ऐसा कंडीशन आ जाए तो वो पॉजिटिव हमेशा होता है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, सही है।
अब मैंने सिखाया होगा आपको कि बस आपको इंटरवल यानी कॉमन पार्ट ले लेना है, तो आपको एक आंसर इधर मिला हुआ है, दूसरा आंसर इधर, इसको ए बोल लीजिए, इसको बी बोल लीजिए, अब दोनों को कॉमन ले लीजिए, देखिए तरह से ये वन आ गया, वन से इंफिनिटी चलेगा और ये आ गया पूरा का पूरा आर यानी पूरा नंबर लाइन, तो कॉमन पार्ट यहाँ से सही है, इसलिए आंसर हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू वन। ठीक है, देखिए जरा क्या देखा है, एक मिनट गड़बड़ क्या है, डी नंबर सर टू उसे एक मिनट देख लेता हूँ कहीं पे छूट गया है, छोड़ा गया, सॉरी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, एक मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है ना, यहाँ पे जब बेस अपन हटा लेता तो यहाँ पे वन आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये वन आ जाएगा, ठीक है, तो ये ग्रेटर टू आ जाएगा, सही है, और ये वन से इनफाइनाइट आ जाएगा यहाँ पे है ना, ये वन है और ये टू है, ठीक है, ये टू से इनफाइनाइट की तरफ और ये आ जाएगा टू, यहाँ लीजिएगा टू से क्लोज टू से इनफाइनाइट, इसको यहाँ पे जब हम लोग लॉग है ना बेस जब हटाते हैं तो ये इधर में दिखा देता हूँ साइड में, यहाँ पे देखिए अगर मैं आपके सामने लिखू ना log 2x greater than 0 दे रखा है, तो आप जब इसको हटाएंगे तो क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, तो जैसे आप एंटी लॉग लेंगे तो x greater than 2 to the power 0 यानी x greater than 1, यहाँ पे छूट गया था अपना, मैंने यहाँ पे गलती से 0 लिख दिया, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनको नोट करना, नोट कर लीजिए, सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दो, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर टू के बाद थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड किसी को डाउट है, नहीं सर, चलिए ठीक है, थर्ड किसी को डाउट नहीं, क्वेश्चन नंबर फोर, यस सर, यस सर, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू है ना फंक्शन आपका दे रखा है यहाँ पे सेक इनवर्स, और यहाँ पे दे रखा है टू माइनस मॉड एक्स, और यहाँ पे दे रखा है बाई फोर। चलिए पहले ना इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, समझना होगा है ना, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान देना है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ कि सर ये क्वेश्चन बेसिकली होना कैसे समझिएगा, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है, पहले तो ग्राफ समझिएगा अच्छे से, ये जीरो है ना और ये पाई बाई टू है, ठीक है, और ये पाई है, आपको सभी को याद होगा कि कॉस का जो ग्राफ होता है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, उल्टा फॉर्म मैंने सिखाया था सभी को, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, और ठीक जहां पे ये हिट कर रहा वहीं से ग्राफ ऐसा मूव करवा देना आपको, तो और बीच वाला पार्ट को डिलीट कर देना, जैसे ही आपने डिलीट करा तो ये जो ग्राफ बनेगा वो सेक इनवर्स एक्स का बनेगा, सही है, और अगर मान लीजिए कि ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा है ना, तो sec inverse x का अगर ये ग्राफ बनता है तो ध्यान समझिएगा ये माइनस वन और ये वन, ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर मैं डोमेन की बात करूं, आप ध्यान से देखेंगे कि इसका अगर मैं डोमेन निकालना चाहूं तो इसका डोमेन आ जाएगा x belongs to R, देख रहे हैं सभी जगह से कट रहा है लेकिन माइनस वन से वन के बीच में ग्राफ है ही नहीं, तो x belongs to R माइनस है ना ओपन में माइनस वन से वन, सर ओपन की लिया क्लोज की लिया क्योंकि क्लोज पे माइनस वन और वन बैठा हुआ है, यानी यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिलता है, ठीक है भाई, यहाँ तक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, sec inverse का ये ग्राफ के साथ साथ मैं एक छोटा सा और चीज बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा कि sec inverse का ग्राफ जो है जीरो से लेके पाई नहीं, यानी क्या जीरो से ग्राफ ऊपर ऊपर पूरा का है, यानी जो ग्राफ x एक्सिस से ऊपर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, सही है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चलिए पहला पढ़ लेते हैं, आप समझ जाते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ sec inverse x है ना, ये जो क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी भाई पॉजिटिव क्वांटिटी, सही है, अच्छा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो किसके लिए x = 2r - 1 से 1, ठीक है, चलिए समझ लिया, अब जरा चीजों को समझते हैं, फिर से अंडरूट में एक फंक्शन आ गया, तो पहला काम किसका होगा दूसरा काम किसका होगा, पहला काम लिखते हैं अंडर रूट का है ना, पहले अंडर रूट का ठीक है भाई, अंडर रूट में कौन है, तो अंडर रूट का कहानी अपन जानते हैं कि अंडर रूट में जो भी आगे बैठा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, तो sec इनवर्स लिख दिया यहां पे 2 माइनस मॉड एक्स बाई 4, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, ये ध्यान से समझिएगा कि पहले मैंने रूट का इलाज किया है, ठीक है, रूट का इलाज खत्म, अब दूसरा समझना जरा ध्यान से, पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं, अच्छा अभी तक हमने क्या किया, इधर देखो थोड़ा ध्यान से, अभी तक हमने सिर्फ रूट का इलाज किया, अब क्या करना है इस फंक्शन का, तो मैंने लिखा यहां पे sec इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बाई 4, सही है, अब इस फंक्शन का अपने को जब डोमेन निकालना है, तो मैंने अभी क्या सिखाया कि सर जरा ध्यान से देखिए कि sec इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r माइनस 1 से 1, अच्छा इसको ऐसे समझ लेते हैं ध्यान से,
उसको हटा देंगे आर में से, वो इस पार्ट के लिए मैं लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन यूनियन और इसको लिख सकता हूँ ग्रेटर देन 1, सही है। तो डोमेन निकालने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, लेकिन सिंपल सा बात बता रहा हूँ, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी भी सेक इनवर्स का डोमेन निकालना हो बस आप उसका ये वाला पार्ट निकाल लीजिए और पूरे आर में से हटा दीजिएगा जो भी आंसर है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, तो अभी मैंने बोला कि सर इसका डोमेन निकालना, तो मैं वही बताऊंगा कि 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 माइनस 1 से बड़ा और 1 से छोटा, सर ऐसे क्यों निकालोगे, लिखना तो ये चाहिए था, मैंने अभी बोला ना आप बस ये इंटरवल निकाल लो और ये इंटरवल का जो भी आंसर आएगा उसको हटा देना, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस या माइनस 4 इधर और इधर, ये क्रॉस करूंगा तो 2 माइनस मॉड एक्स और इधर आ गया लेस देन 4, यहां तक मैं किसी को डाउट नहीं है, ये 2 इधर आएगा 2 उधर, मैंने इसको लिखा माइनस 4 माइनस 2 लेस देन माइनस का मॉड एक्स और इधर आ गया हरा 2 माइनस इधर से आ गया 2, सही है। अच्छा और यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आ गया आपका माइनस 6 और ये आ गया माइनस का मॉड एक्स और इधर आ जाता है आपका 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, ये mod x और greater than minus 2, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, mod x लिखा कि minus 2 less than 6, यहां तक किसी को डाउट है तो मेरे साथ पूछ सकता है कि सर ये चीज कैसे लिखे चले जा रहा हो, ठीक है। अच्छा अब सुना, मैंने बोला था कि mod x हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा, तो मैंने सिखाया था अपने क्लास के बच्चों के लिए कि ये इग्नोर करें आप, इसको इग्नोर करें तो बचा कौन, mod less than 6 है ना, mod x less than 6, और किसी को पता है कि घोड़ा मेथड क्या था, मैंने बोला घोड़ा कहाँ पे खड़ा है, जीरो पे टर्निंग पॉइंट याद है सभी को, इसका थप्पड़ करेंगे x इक्वल टू 0 पे, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए x इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 मैं बोला रस्सी कितनी की थी, ये 6 इधर देखिए माइनस 6 इधर देखिए, ठीक है, तो इसके बीच का ये रस्सी खा जाएगा भाई, मैंने बोला x बिलोंग्स टू कम से कम माइनस 6 से 6, भैया अब बात ये उठता है कि माइनस 6 से 6 सर इसका डोमेन है क्या, नहीं इसको हटा देना है, क्योंकि आपने हटाए हुए वैल्यू को डोमेन से आप निकाल दें, यानी हटाए हुए वैल्यू का डोमेन निकाल, तो फाइनल इसका जो डोमेन आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसलिए डोमेन तो आ गया x बिलोंग्स टू r माइनस, अब ये पॉइंट निकाल देना है माइनस 6 से 6, सही है। अच्छा ये तो पहला आंसर हुआ, दूसरा आंसर इधर बताओ, दूसरा आंसर इधर निकालने के लिए अभी मैंने कुछ देर पहले सिखाया कि sec इनवर्स x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या, इसका जो ग्राफ है ऊपर ना 0, यानी x एक्सिस से ऊपर ही ऊपर है, तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस से ऊपर ऊपर है तो क्या सर x के हर एक वैल्यू के लिए या कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के लिए, बस ये वैल्यू को छोड़, तो ये वैल्यू तो आपने हटा दिया पहले माइनस 6 से 6, आप देखें कि x का कोई भी वैल्यू ले लो ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी कभी हमेशा पॉजिटिव, यहां से लिख लेंगे x belongs to r minus 6 से 6, आप दोनों को देखेंगे कंपेयर करेंगे है ना, ये आंसर नंबर 2 है ना, इसलिए मैं बोला फ्रॉम 1 से 2, 1 एंड 2 दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों तो सेम ही है ना, इंटरसेक्शन तो एक ही आएगा, इसलिए आंसर x belongs to r minus 6 से 6, ये आपका आंसर है, होप आपको किसी में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जरा चेक कीजिए क्या दे रखा है, चार का 4 का डी दे रखा है क्या, चलिए किसी को कोई डाउट इसमें आराम से देख लीजिए, अगर किसी को लगता है कि सर ये स्टेप एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आ परे है, नहीं समझ में आ रहा, दिमाग से निकल गया, आप ऐसे फिर से रीड कर रहा हूँ कि ये जो हमेशा पॉजिटिव होता है माइनस 1 से 1 को पीछे छोड़ दो सारा मिल जाएगा, तो माइनस 1 से 1 से हमने हटा दिया यहाँ से, तो ये निकल गया, चलिए सब कुछ पढ़ाया बस आराम से देखिए, रिविजन बस फास्ट ही करना है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए या तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ता है ना, बढ़ते हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चन नंबर शायद हम लोगों का 4 था, 4 के बाद मैं अगला पूछना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5, किसको डाउट है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले ना बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, चीजों को समझते हैं, सभी ने है ना एनसीआर और एनपीआर के बारे में सुन रखा है, बाइनोमियल में आपने बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में सुन रखा है, जैसे जब के लिए बोलूं कि एनसीआर का क्या मतलब है समझिए, कभी भी एनसीआर डिफाइन कब होता है इस चीज को समझिएगा, ये डिफाइन किसके लिए वो भी समझते हैं ना, डिफाइन क्या है,
पहला कि सर n जो है ना वो भी जो भी होना चाहिए वो पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए और n को आपको कैसा लेना है इंटीजर। जैसे मैंने आपने पीएलसी में पढ़ा होगा कि चार चीजों में से दो चीजों का सिलेक्शन है, एनसीआर बेसिकली उसी को कहते हैं कि n में से r डिफरेंट थिंग का सिलेक्शन है। तो n कैसा चीज है वहां पे फ्रैक्शन नहीं है भाई साहब, वो n जो है इंटीजर है वो भी कैसा है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि नेचुरल है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मॉल में गए है ना सर एक टी शर्ट पसंद है, नहीं सर हम उसमें से आधा टी शर्ट ही चुनते हैं, आधा टी शर्ट तो पहले ही था आधा और लेके आएंगे उसमें से, है ना, तो वो यूजलेस है। बात को समझिएगा अच्छे से, फिर से बोल रहा हूँ कि एनसीआर डिफाइन तभी होगा जब इसका एन कैसा होना चाहिए पॉजिटिव और एन बिलोंग्स टू इंटीजर यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है चलिए दूसरा केस ये कहते हैं कि जो आर है आर या तो पैसा हो सकता है ना, बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि कभी कभी है ना ऐसा हो सकता है कि सर एन चीजें थी मॉल में और उसमें से मैं ए भी नहीं उठाया। ये सबसे अच्छा फंडा है मैं बताता हूँ आपको, ये भी एक तरीका है। जैसे आपने कभी लोग कई लोग जो है बिग बाजार जाते होंगे तो क्या बिग बाजार जाने के बाद दो पर्पस होता है, या तो कुछ वहां पे परचेस के लिए जाते हैं या तो सिर्फ घूमने जाते हैं, घूमा और घूम करके बाहर आ गए भाई साहब, एन चीजों में से कुछ भी नहीं लिया, वो भी एक तरीका है। एन सी जीरो इक्वल टू कितना होता है वन, यानी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो चीज है वो ये जो आर दे रखा है ये आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है और आर भी कैसा होना चाहिए ये भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सही है भाई साहब। अच्छा केस नंबर बीच में एंड लगे या ध्यान रखिएगा, एंड थर्ड नंबर जो पार्ट है कि एन जो है वो आर है, एन हमेशा आर से बड़ा होगा। ऐसा नहीं कि आपके पास पांच चीजें हैं और छह चीजें उठा के लेके चले, चमत्कार नहीं करना भाई साहब, हमें चीजों को समझना है, ध्यान से समझना है कि मैं बोल रहा हूँ कि एन में से चार चीजों का सिलेक्शन, चार में से चार चीजों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, इक्वल टू हो सकता है, यानी चार में से चारों चीजों का सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन चार में से पांच चीजों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है फिलहाल तो ये आपका थर्ड कंडीशन है, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको कि एन पॉजिटिव होना चाहिए, आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, सही है ये तीनों कंडीशन को। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको पहले बोल दिया कि n जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है तो इस कंडीशन को यूज करते हुए कैसे डोमेन का क्वेश्चन आपको सेट करके दिया गया उसको सॉल्व करना। चलिए तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली, देखिए क्वेश्चन क्या मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 माइनस एक्स सी है ना 3x और प्लस में दे रखा है आपके सामने 40 माइनस 6x। ठीक है और यहां पे दे रखा है सी 8x माइनस 10, होप मैंने क्वेश्चन सही लिखा हो, हाँ 40 माइनस 6x। चलिए अब इसमें क्या करना है डोमेन निकालना, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ x, सिंपल सी बात है यानी x की वैल्यू निकालना। चलो आओ भाई बात करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन नहीं भाई साहब दो फंक्शन है। ठीक है एक फंक्शन नहीं है दो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन ये दे रखा है ये fx दे रखा है ना, पहला ये देखा दूसरा ये देखा। कभी भी मैंने आपको सिखाया कि डोमेन के क्वेश्चन था तो डोमेन ऑफ द फंक्शन याद रखिएगा, कभी भी डोमेन निकालना है तो अगर मान लीजिए एक fx है दूसरा gx है ना तीसरा hx है, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हो सकते हैं या तो वो जुड़ के हैं या तो सबट्रैक्ट हो सकता है, या तो वो मल्टीप्लाई में रहे fx into gx मल्टीप्लाई में रहे या फिर वो डिविजन में रहे। ध्यान रखना इन सब चीजों का कि सभी का मान लीजिए इसका d1 है इसका d2 है इसका d3 है, हम लोग क्या करते हैं ना सभी फंक्शन का क्या लेते हैं इंटरसेक्शन है और ये d2 है, सभी फंक्शन का डोमेन निकालने के बाद अगर मैं नेट डोमेन की बात करूंगा यहाँ पे तो ये d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें। तो यहाँ बेसिक बेसिक बात है, बेसिक में आपको समझना आना चाहिए। चलिए तो फिलहाल ये आपको पहले से लिखा रखा है हा? अगर और ज्यादा दिक्कत हो तो आराम से इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। चलो तो मैंने अभी क्या क्या सिखाया था वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी इसका क्या करना है दो फंक्शन इसका पहले देखेंगे, ये जो दे रखा है पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे 24 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो पहला काम, दूसरा काम क्या करना है आपका इसका इसका ना 3x दे रखा है ये भी 3x जो होगा पहले 3x सर वहां पे 3x माइनस 1 होगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 3x थैंक यू 3x माइनस 1। अच्छा यहाँ पे जो दे रखा है ये 3x माइनस 1 ये r है, मैं इधर फिर से लिख दे रहा हूँ एनसीआर जो है n ग्रेटर देन जीरो है ना n ग्रेटर देन r r ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है ये चीजों को यूज करना है, चलिए ध्यान दीजिए तो मैंने लिखा ये r जो है वो भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, ये भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो और ये जो इन दोनों में कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन याद रखना है कि 24 माइनस x ग्रेटर इक्वल टू 3x माइनस r ग्रेटर देन 1 क्या कहते हैं r ग्रेटर देन 1 होगा ना सर, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 1 कहां दे रखा है ये तो r ही है ना, तो सर r ग्रेटर देन 1 होगा ना, नहीं r ग्रेटर देन 1 नहीं होगा r 0 हो सकता है। आप देखो चलो चलिए अब ऐसा हो सकता है कि आप 4 से 0 पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है खुद सोचना, यस सर चार में से एक चीज का भी सिलेक्शन नहीं वो भी एक प्रोसेस है वो भी एक तरीका है,
ठीक है, तो ग्रेटर देन वन नहीं लेते, यानी जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है कि आर को वहां पे एक चीज को सिलेक्ट करना ही करना, नहीं, इट इज नॉट कंपलसरी। यहाँ पे कंपलसरी बस इतना है कि आप एन चीजों में से जीरो चीजों का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और वो भी एक तरीका है। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा आपको, है ना, कि यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स लेस देन 24, समझ में आ गया वो सभी को, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगा और ये लेस देन 24 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जो ये आ गया, इसका आंसर देखेंगे तो ये दिखेगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, सही है। अच्छा, इसका आंसर देखेंगे तो सॉल्व करने के बाद मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, इसको इधर, है ना, 24 और ये इसको इधर लाएंगे, 24 प्लस माना उस x को उधर छोड़ा मैंने, तो ये आपको दिखेगा 4x, सही है। तो ये 25 greater than equal to 4x, इसको लिख सकते हैं, तो है ना, 4x less than 25, इसको अगर मैं आगे फर्दर मूव कराऊं तो ये आ गया x less than 25/4, सही है। तो ये आ गया आपका पहला आंसर, ये आ गया दूसरा आंसर, और ये आ गया तीसरा आंसर। तीनों का कॉमन पार्ट ले लेना भाई सब यहाँ पे, चलो तो तीनों का पार्ट पहले मार्क कर लेते हैं, सभी लोग जरा बताएंगे कि कौन बड़ा है। सबसे पहले तो मैं ये लेता हूँ 1/3, क्योंकि सबसे छोटा है ये, 1/3 के बाद में 25/4 आएगा और फिर 24 आएगा, सही है। अच्छा, ये कह रहे 24 से छोटा, यानी ओपन इंटरवल में ऐसा ये बोल रहा कि 1/3 से बड़ा, डार्क में आएगा ये इधर, डार्क का मतलब ये होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ध्यान से कि ये बोला है कि सर यहाँ पे देखेगा कि 25/4 से छोटा और इक्वल टू के साइन के साथ, यहाँ से छोटा, कॉमन पार्ट देखेंगे तो बस ये वाला कॉमन पार्ट आपको दिखेगा, सही साहब, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, तो ये अपना आंसर है। अब अपने को जो नेट आंसर आया यहाँ पे, ये सिर्फ पहले वाले पार्ट का आंसर था हमने, तो इसलिए नेट आंसर जो आ गया एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से, है ना, 1/3 से, 1/3 से 25/4 है। अब इसको जरा फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये लगभग 0.3 होगा अप्रॉक्स मान लेते हैं, और इसको देखेंगे तो ये 6 point, और ये आ गया लगभग 2 के आसपास। तो 0.3 से 6.2 में कितने इंटीजर आएंगे, जरा जल्दी से काउंट कीजिए, क्योंकि x को अपने को इंटीजर लेना है, जल्दी से बताइए इंटीजर कौन सा सकता है, इसलिए x के नाम पे इंटीजर जो आएगा वो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है। अच्छा, अब ये पहला आंसर आ गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, अब अपने को दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, फिर से बताना चाहूंगा मैं यहां पे कि सर ये जो आपने x बिलोंग्स टू 0.3 से 6.2 लिया है, आपने इसका आंसर क्यों लिखा, तो डोमेन का मतलब तो x का आंसर होता है, आप ये क्यों लिख रहे हैं, क्यों इसलिए लिख रहा हूं कि अपने को अगर मान ले ये सब वैल्यू रखेंगे ना तो यहां पे ये डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं है एनसीआर, ये सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, तो यहां पे इसलिए मैंने इंटीग्रल वैल्यू। चलिए सिमिलरली क्या करेंगे कि आपने अगर इसको सीखा है तो मैं इसको जल्दी से दूसरा पार्ट को इसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए, तो यहां पे पहला काम 40 माइनस का 6x ग्रेटर देन 0, दूसरा काम ये आ जाएगा कि 40 माइनस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस का 10, ये हमेशा इससे बड़ा या उसके बराबर। अच्छा, थर्ड वाला केस, इसका आ जाएगा आपको यहां से लिख सकते हैं कि 8x जो होगा माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आर है, आर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए, तो यहां से देख लो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो x लेस देन देखिएगा 40/6 आ जाएगा, यहां से अगर मैं आंसर का, है ना, यहां से आंसर कोड करना चाहूं तो इसको पहले इधर लेके जाते हैं, 40+10, है ना, 40+10 उसको उधर लेके गया, ये आ गया 14x, है ना, ये आ गया 50 और ये ग्रेटर देन 40x, है ना, ये आ गया आपका x लेस देन 50/14, सही है। अच्छा, तीसरा जो मैंने आपको बताया था अभी दिन कि 8x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10/8, सही है साहब। अब तीनों को नंबर लाइन पे अरेंज कर ले, चलो तीनों को नंबर लाइन पे अगर मैं अरेंज करूं तो वैल्यूज देखिएगा जल्दी से, पहला वैल्यू है 40/6, दूसरा वैल्यू 50/14 और ये तीसरा वैल्यू 10/8, तो 10/8 सबसे पहले आएगा, सही है, और ये आएगा दूसरे, है ना, ये आ जाएगा 44/43 और ये कितना आएगा भाई, है ना, 6 के आसपास आएगा ये, और ये आ जाएगा 50/14, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 40/16, आपको नंबर लाइन में अरेंज करना आता होगा, सिंपल सी बात है। चलिए, अब देखिए ये बोल रहा है कि इससे छोटा होना चाहिए तो ओपन से इधर आ जाइए, ये 10/8 से बड़ा यानी डार्क से इधर चलना है और ये आ गया 50/2 से इधर, ठीक है, तो ये अपना कॉमन पार्ट आ गया, तो x belongs to आ गया 10/8 से और इधर देखेंगे 50/4। चलिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है, तो ये लगभग आ जाएगा 1.2 से लेकर के ये आ जाएगा आपका, ये 14 है शायद, 1.25 ये कितना आएगा, 3.5
दो और तीन आएगा भाई साहब, और यहाँ पे कितना आया था 1 एंड 2 एंड, सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट ले लीजिए 1 आंसर है। और कोई डाउट है तो बताइए इसमें, अगला बढ़ते हैं। हाँ अगला बढ़ते हैं, कितना देर का इसका आंसर जरा मैच कीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरी बात सुन लीजिएगा, इसमें और इसमें कॉमन कौन है, तो कॉमन आप देखेंगे यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 3 से लेकर 5 और यहाँ से 2, 3, मात्र 2 और 3 यहाँ पे दिखा चाहिए। 2, 3, 2, 3 किसी को क्वेश्चन, अगर इसमें एनसीआर है, अगर कोई क्वेश्चन में एनपीआर रहे तो सेम कंडीशन, उसमें भी सेम कंडीशन है, एनपीआर में भी सेम कंडीशन है, चीजों को वहां पे अरेंज करते हैं, यहाँ पे चीजों को सेलेक्ट करते हैं, तो अरेंज करने के लिए भी अपने पास इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, ये नहीं कि 2.5 को कुछ इसमें है ना, मान लीजिए आपके पास दो टुकड़ा है ना, एक है, एक को बैठाना, एक आदमी को, ऐसा नहीं कर सकते ना दो कुर्सी में उसको आधा काट इधर बैठा है आधा काट इधर बैठा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है, वहां पे भी इंटीजर पे बात होगा, सेम कंडीशन उसके लिए फॉलो होगा, ठीक है। चलिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का, मैं 6 से आ रहा हूं। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, 5 में हेलो, हां मैं हेलो सर, अगर यहाँ पर एनसीआर है, अगर एनपीआर है तो कंडीशन यही रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनसीआर एनपीआर के लिए दोनों का कंडीशन वही रहेगा, लेकिन हाँ वहां पे क्या है ना कि चीजों में यहाँ पे बड़ा ही होता है, जैसे देख लीजिए एनसीआर में और एनपीआर, देखो मैं दिखा देता हूँ, एनपीआर पहले आप यहाँ समझता है ये बड़ा होना चाहिए, और आर यहाँ पे चीजों का सिलेक्शन है, ठीक है, तो आर यहाँ पे चीजों का जो सिलेक्शन है, तो एन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, आर जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। Yes, और दोनों बातें इंटीजर पे होंगी, दोनों बातें इंटीजर पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट है? यस सर। 6 में किसी बच्चे को डाउट है? यस सर। यस सर। नहीं सुने। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 मैं देख लेता हूँ। चलिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, सभी लोग 11th में और 12th में, जो 12th में और जो पासआउट में, मैंने ये ग्राफ पढ़ाया सभी को, y equal to x के पावर 1/3, जल्दी सोचो जरा ग्राफ क्या है इसका, जल्दी से सर, लेटा हुआ उल्टा, लेटा हुआ फॉर, बहुत बढ़िया, ये ग्राफ ऐसा होता है, यही होता ना साहब? यस सर। अच्छा चलिए अगर मान लीजिए ये, हाँ अगर ये ऐसा ग्राफ है, इसका डोमेन बता दीजिए जल्दी से, ग्राफ आपको पता है डोमेन ऐसे काटते थे आपके सामने 3 to the power 3 tan inverse x, होप आपको यही दे रखा होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते, सुनिएगा अच्छे से, बस एक छोटा सा सवाल है मेरे मन में, जरा इसका आंसर जल्दी से बताना, सभी लोग देखना अच्छे से, एक फंक्शन लिखा fx और इसके ऊपर लिख दिया e^10x, जल्दी सोचिए इसका डोमेन क्या होगा, बोला नहीं है आर, सोचने के लिए बोला है आर, ये ऐसा फंक्शन है कि आपको ऐसा दिख रहा ना कि किसी ने e के पावर एक्स में जाकर के एक्स में जाकर के 10x लिख दिया, तो e के पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, सही है, और इस फंक्शन का डोमेन आर होता है, तो आपको कभी भी इस तरह का फंक्शन दिखे ना कि सर ये फंक्शन का डोमेन मैं जानता हूं लेकिन एक्स के जगह गलती से किसी ने 10x रख दिया है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसको आर क्लब का आदमी बोलेंगे, यानी क्या, वो डोमेन उसका आर होता है, बेसिक फंक्शन का डोमेन आर होता है, तो उसका डोमेन ना निकाल के जो उसके सर में रखा है उसका डोमेन निकालेंगे, सही है, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि बेसिक फंक्शन ये है और उसके ऊपर कोई फंक्शन रख दिया हो चेंज करके एक्स की जगह पे, तो आप बेसिक फंक्शन का डोमेन नहीं निकालेंगे, सीधा उस ऊपर में जो रखा हो फंक्शन का निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहां लिख देता हूं e के पावर में और यहां पे लिखा आपके सामने cos इनवर्स x, तो डोमेन इसका नहीं निकालेंगे भाई साहब, सीधा इसका निकालेंगे, cos इनवर्स x का डोमेन कितना होता है -1 से 1, सही है ना? चलिए तो बात करते हैं मेन क्वेश्चन पे, जो हम लोग मेन क्वेश्चन को देख रहे हैं उसको समझ, चलिए अच्छा ये क्वेश्चन को अभी अभी हम थ्री टाइप वाला दिखा, इस फंक्शन का डोमेन हो गया आर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा,
और आर कभी भी अपने डोमेन में जब हमारा दो तीन फंक्शन रहे साथ में तो आर हमारे लिए बेकार, ठीक है। चलिए तो कोई मतलब नहीं, इसको देखते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से कि तीन का तीन एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, तीन यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डोमेन आर, ये भी हमारे लिए बेकार। अब देखते हैं कॉस इनवर्स का, तो कॉस इनवर्स के लिए मैंने बताया था कॉस इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो कहां से का माइनस वन से वन, टू एक्स माइनस वन बाई थ्री और ये माइनस वन से वन, सही है। अच्छा ये इधर हो गया प्लस में, ये चल रहा अपना। अभी फिर से बताया कि ये सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऊपर में कोई फंक्शन रख दिया गया तो मैंने बोला था इसको नहीं देखना सीधा इसको देखो, और tan इनवर्स x का ग्राफ सभी को याद है, ये कुछ ग्राफ ऐसा होता है, सही है क्या डेटा ऑफ फॉर, ये पाई बाय 2 और ये माइनस पाई बाय 2, कितना होगा इसका डोमेन आर आर आर, बिल्कुल डोमेन ऑफ द फंक्शन इज टू आर, मतलब ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार, सिर्फ डोमेन कौन देगा डोमेन ये देगा। आइए सब देखते जरा ध्यान से, मल्टीप्लाई माइनस 3 इधर आ गया 2x माइनस 1 लेस देन 3, 1 को इधर जोड़ देंगे तो माइनस 3 प्लस 1 लेस देन 2x लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 1, सही है। अच्छा आगे देखेंगे तो ये आ गया आपके सामने माइनस 2, ये आ गया 2x और ये आ गया 4, 2 से डिवाइड कर देंगे माइनस 1 और ये आ गया x लेस देन 2, सही है। तो x की वैल्यू कहां से कहां माइनस 1 से 2, जरा चेक कर लीजिएगा, चेक कीजिए सही है सर। 6 का क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है, सही है सर, इतना ही है सर, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको डाउट था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो जिसने पढ़ाया मेरे से और जिसने नहीं पढ़ा उनके लिए दोनों को रिपीट कर रहा हूँ। कभी भी किसी फंक्शन का डोमेन आर हो और उसके जगह पे रिप्लेस किया गया हो, आप सीधे समझिए कि ये सब है ना जो कंपोजिट फंक्शन के टाइप का है, ठीक है। तो डोमेन हमेशा उस फंक्शन का निकालेंगे जो उसके जगह पे रिप्लेस किया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। और सब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, सभी लोग जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, 6 के बाद किसी को डाउट है 7 में, यस सर, डाउट है 7 में, यस सर है, हाँ सर है, यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल राजा बाबू जी, है ना, जिसने भी मेरे से पढ़ा है यहाँ पे और तो कह रहे हैं कि यस सर कॉपी का क्वेश्चन जरा से एक बार पलट लेना, दो अब तक तो तुम लोगों क्वेश्चन का कॉपी ना कॉपी का क्वेश्चन जो है ना एकदम रटा होना चाहिए, हाँ सर ये सब चीजें तो याद है, कोई बात नहीं, कोई इशू चलिए। मैंने बोला था यहाँ पे एक फंक्शन नहीं भाई सर, यहाँ पे दो दो फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन है ध्यान से देखना, पहला लिखा है sec इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, है ना, x माइनस अ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो पहला के लिए बताया इस फंक्शन का डोमेन, अभी कुछ देर पहले मैंने ग्राफ से भी सिखाया था कि पॉजिटिव फंक्शन है और माइनस 1 से 1 के बीच में छोड़ देते हैं, इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन माइनस 1 से 1, r माइनस 1 से 1, ठीक है। चलिए तो ये पहला आंसर हो गया, दूसरा आंसर यहां पे निकालते हैं, किसी को पता कि 1 अपॉन अंडर रूट का इलाज क्या होता है, अंडर रूट का इलाज होता है कि अंदर वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वल टू जीरो लगाते ही आफत आ जाएगा, इक्वल टू जीरो तो इनफिनिटी हो जाएगा वहां पर, बहुत बढ़िया। तो ध्यान देना अब इसके बाद करना क्या है, किसी को बस याद हो बस उसके लिए पूछा जाए, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है, यस सर, तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है भाई साहब, ग्रेटर देन 0 यहां पे इक्वल टू 0 नहीं था। अच्छा एक बात और बता दूं कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के अंदर में आपने इंटीजर डाल दिया ना तो बस ये वो है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट वो एनाजोन है जिसमें कोई भी गया तो भाई साहब है ना बाहर निकल ही नहीं पाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो पता ही नहीं चलेगा वो कहां गया। ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या इक्वल टू का आंसर लगा हुआ जीरो में नहीं लगा हुआ, यानी इक्वल टू जीरो जब नहीं लगा हुआ सिर्फ पॉजिटिव चाहिए तो फ्रैक्शनल पार्ट आपको बता दूं कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ऑफ इंटीजर, माइनस ऑफ इंटीजर का मतलब किसको समझना कि इंटीजर को क्यों हटा दिया गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लगा दूं तो ये इक्वल टू जीरो भी देगा, सही है। रिपीट कर रहा हूं फ्रैक्शनल पार्ट सर आपने कैसे लिख दिया नहीं समझ, आइए कोई बात नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आइए ग्राफ देखते हैं, सभी को याद होगा झुंझुना, यस सर, अरे बच्चों वाले झुंझुने, सही है क्या, यस सर, सही है ना। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसका डोमेन निकाल, यानी क्या फ्रैक्शनल पार्ट कहना चाह रहा कि मैं जीरो से बड़ा कब होऊंगा, भैया तो जीरो से बड़ा हमेशा है, एक्स का कोई भी वैल्यू ले लेना तो ऊपर ही ऊपर खेलेगा हमेशा, सही है। आप देखिए यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू लीजिएगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे लीजिएगा पॉजिटिव, यहाँ पे लीजिएगा तो जीरो देगा,
तो मैंने इंटीजर तो हटा दिया ना, सही है। चलिए बात यहाँ पे हो गया कि सर पहला आंसर भी आ गया है, दूसरा भी आ गया। आइए दोनों का कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब देखिए, ध्यान से मैं इसको लिख रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू आर लिया, दोनों में कॉमन था, माइनस में माइनस वन से वन, ये पूरा हटा दे रहा हूँ, माइनस वन से वन हटाया, यूनियन इसको हटा दे रहा हूँ, इंटीजर, सही है साहब। देख कर लीजिए इंटीजर के जगह पे जेड भी लिख सकता है, देख लीजिएगा जरा ध्यान से कौन सा आंसर जा रहा है, बी नंबर। हाँ चलिए ये ऑप्शन जाना बिल्कुल सही है, देख लीजिए किसी को कोई इसमें डाउट हो आराम से फिर से पूछ सकते हैं आप, एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, सात के बाद आठ, आठ में किसी भी कोई भी अमीर गरीब बच्चों को डाउट, किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, अगर भी है नो सर, आठ में किसी को, हाँ आठ में किसी को डाउट हो गया सर, नो सर, नहीं सर, नो सर, ठीक है, आठ में डाउट नहीं सर, नहीं सर। क्वेश्चन नंबर नाइन में डाउट, यस सर, नो सर, यस सर, चलिए ठीक है, नो सर, एक दो बच्चों को डाउट है बिल्कुल, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, प्यारा सा, नो सर, फिर से वही बताऊंगा जिन्होंने कॉपी पढ़ा होगा फंक्शन का, जरा फिर से है ना लॉग जहां पे पढ़ाया हो उस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे आप लोग, यहाँ ये था कैसा क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू दे रहा है यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग एक्स, सही है साहब। अच्छा इस क्वेश्चन को कर, हाँ क्वेश्चन करने से पहले बस बेसिक सा सवाल समझ लेते, देख रहे हैं कभी भी फंक्शन में ना भाई सब ऐसा मिले लॉग के अंदर में मॉड एक्स है ना, मॉड एफ एक्स मिले है ना, या लॉग के अंदर में यहाँ पे एफ एक्स का होल स्क्वायर मिले, इसके डिफाइन होने का जो कंडीशन है ये डिफाइन कब होगा, फर्स्ट डिफाइन बात तो होगा कि fx यहाँ पे जीरो मत लेना, बाकी जो मर्जी है सब ले, कंडीशन खत्म हो गया इसका, ठीक है। अच्छा बेस यहाँ पे पॉजिटिव होगा कोई इशू नहीं है, बेस पॉजिटिव है ना, इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए, दो कंडीशन। अच्छा यहाँ पे देखो बस इसके लिए भी वही कंडीशन, कभी भी ये दो फंक्शन दिख जाए तो समझना कंडीशन क्या होगा कि भैया नॉट इक्वल टू जीरो, किसी को कोई डाउट इसमें, सही है। आइए साहब बहुत अच्छे समझते, देखो इस फंक्शन का डोमेन निकालने से पहले चीजों को समझते हैं, देखा डोमेन निकालने से पहले मैंने देखा इस लोग भाई, मैंने पूछा तेरा दर्द क्या है, इसने बोला भाई मेरे सामने मॉड लगा हुआ है, तो मैंने बोला मॉड अगर लगा हुआ तो बता मॉड में कौन बैठा हुआ है, बोला फंक्शन, मैंने बोला अच्छा मॉड में तेरा फंक्शन, उस फंक्शन का इलाज क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो मैंने क्या करा यहाँ पे कि लॉग एक्स इसका इलाज जीरो, सही है। तो बेस अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे लॉग दे रखा है, एंटी लॉग लेंगे, इसको काटेंगे तो x नॉट इक्वल टू ये इधर रख के इक्वल जीरो, यानी x नॉट इक्वल टू 1 नहीं लेना है, ये किसका इलाज है, ये डोमेन निकाला आपने, ये तो डोमेन निकला कि बाहर वाले का, सही है। अब अंदर जाते हैं, अंदर जब गया तो देखा ये फंक्शन पड़ा हुआ है, मैंने बोला भाई साहब तेरे हमने डोमेन निकाल लिया क्या कंडीशन, सही है। तो इसने बोला भाई मैं लॉग हूं और लॉग होने का डिफाइन मिलेगा कंडीशन की, जो भी नंबर देगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, सही है। दूसरा कंडीशन भाई बेस पॉजिटिव है, तीसरा बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, वो भी 1 नहीं, तो यहां से डोमेन से देखेंगे तो x कितना 0 से ही था रहता, दोनों का ये आंसर 1 और ये आंसर 2, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ले लीजिए, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लीजिएगा तो x बिलोंग्स टू 0 से इनफिनिट, इसके बीच में 1 आ रहा था जो कि नहीं लेना है, तो बस हटा दीजिए, देख लीजिए कोई डाउट है इसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9 नंबर था, 9 का आंसर कौन सा दे रखा भाई, किसी ने देखा, सही है सर 9 नंबर, माइनस वहां से इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, देखिए हां इसको 0 से है ना 1 और 1 से इंफिनिटी ऐसे करके भी ले सकते हैं इसको, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, परेशान मत होना है ना, 1 लेना नहीं है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x 0 से 1 फिर यूनियन 1 से इंफिनिटी, किसी भी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है, नो सर, चलिए ठीक है, तो हमने ये डोमेन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए डोमेन के बाद सीधे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 रेंज पे आते हैं, भाई साहब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, किसी को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 में या 10 में किसी को भी डाउट है मेरे से फिर से रिपीट कर सकता है कि हाँ सर ये फिर छूट गया है ना, कोई शर्मा शर्मी नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं पूरे क्लास में तो हूँ नहीं और आप भी क्लास में हो नहीं है ना, तो और आपको कोई देख भी नहीं रहा है, इसका अलग ही आनंद है,
इसीलिए आप पूछ सकते हैं जहां से मेरा ये डाउट है, ठीक है। चलिए बेटा चलिए भाई, तो रेंज का क्वेश्चन में, रेंज का क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, किसी को डाउट रेंज नंबर का क्वेश्चन नंबर वन में? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर 11 रेंज के क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन संख्या 11, किसी को डाउट है किसी भी बच्चे को? नहीं सर। नहीं सर। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 12 में पक्का डाउट होगा? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x प्लस का 6, नीचे दे रखा है आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। बहुत बढ़िया, आइएगा समझिए, बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं समझना। देखो पहले तो एक बार समझ लो कि मैं इधर साइड में एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ आपके सामने, देखना था। मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू, समझना, एक्स प्लस 3 लिखा है और यहाँ पे लिखा 2x-1, मैं बोलूँ इसका रेंज निकालो। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये इस तरह का फंक्शन है कि ये लीनियर बाय लीनियर है, ठीक है। तो मैंने आपको फंक्शन के टाइम पे पढ़ाया था, कभी भी इस तरह का फंक्शन है कि लीनियर अपॉन लीनियर आ जाए। लीनियर का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्स की डिग्री 1, यहाँ भी एक्स की डिग्री 1, किसी को डाउट नहीं है इसमें। तो कभी भी इस तरह का फंक्शन है तो कैसे यहाँ पे इसका रेंज निकालते हैं? तो मैंने बोला था कि एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई बदल दिया, यानी यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स है और आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स इक्वल टू वाई बताना है, ठीक है। तो पहले इसका रेंज निकाल लेते हैं, जरा सभी लोग समझते हैं यहाँ पे ध्यान से कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसको देखेंगे अच्छे से, तो ये आ गया 2xy और यहाँ पे -y = x + 3। वापस इसको इधर लेके आइए, तो मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ 2xy minus of x और इस y को उधर भेज रहा हूँ, y + 3। यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 2y minus 1 और इधर आ गया y + 3, सही है। और इसको देखा जाए तो x = कितना आ गया, y + 3 और यहाँ पे आ गया 2y minus 1, सही है। अच्छा, इसका रेंज आप निकालना चाहेंगे तो जैसे इसका डोमेन बात करेंगे ना, इसका डोमेन कितना जाएगा, x belongs to R और यहाँ पे -1/2, सही है। किसी को अभी भी डाउट है कि सर ये वाला क्वेश्चन में ना हम बचपन से बहुत कमजोर है सर, हरा बहुत ही कमजोर, कमजोर का मतलब ये है सर कि हम लोग का बेसिक खराब है, तो हम लोग यहाँ पे एसिडिक नहीं पढ़ रहे, इस बात को जरूर ध्यान देना, ठीक है। अगर यहाँ पे बात कर दो 2x और यहाँ पे लेते हैं x, 2x भी नहीं लेता मैं, 3x-1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका डोमेन निकालने की बात करूं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू में दो फंक्शन है 3x-1, इसका डोमेन हो जाएगा R, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन और मैंने बोला था पॉलीनोमियल फंक्शन का डोमेन R होता है। किसी को इसमें छोटा सा भी डाउट फिर से रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे अगर मैं इसका डोमेन निकालूं तो इसका डोमेन भी R होगा, लेकिन यहाँ पे ये माइनस में 1/3 नहीं ले सकते, क्योंकि 1/3 लेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैंने बता दिया कि आपको कभी भी इस तरह का फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन को y के टर्म, यानी x इस तरह से दे रखा हो तो x के टर्म में बदल लीजिए, और जैसे आप इसका डोमेन निकालते हैं ना, बस यहाँ पे आपको डोमेन निकाल लेना किसका, y का, डोमेन y का आएगा और y ही आपको क्या देता है, रेंज देता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि x यहाँ पे डोमेन आता है x में और यहाँ पे डोमेन आएगा y का, लेकिन उसको हम डोमेन नहीं बोलेंगे, y का जो वैल्यू होता है वो रेंज होता है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे चीजों को समझते हैं, यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको मैंने लिखा y और इसको लिखते हैं, कितने लोग बता सकते हैं इसका फैक्टर दिख गया होगा, सॉरी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है आपके टैलेंट पे, मेरे को कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस 1 और यहाँ लिखा x माइनस 3, भैया चलिए बहुत बढ़िया, अब ध्यान समझना, मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ से, भाई साहब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये और ये इसको उड़ा दूंगा मैं, उड़ाने से पहले एक बार जरूर बोल के जाऊंगा भाई जीवन में 3 नहीं ले सकता मैं, समझ में, बचपन से लेकर के आप तीन नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, अभी चेंज करने का तरीका सिखा रखा था आपको, चलिए चेंज कीजिए यहाँ पे वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, इस वाई को उधर, इसको इधर, तो इधर आ गया वाई, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, आ जाएगा वाई माइनस 1 और उधर जाने के बाद में वाई माइनस 2, यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2, नीचे आ गया वाई माइनस 1। किसी को कोई संदेह है छोटा सा भी डाउट मेरे से पूछ सकता है सर ये कैसे घूम गया, ठीक है। अब आपको ना बस सिंपल सा गेम खेलना है कि आप एज्यूम करके चले, मान लेना कि भाई ये x ही है बस, अब डोमेन, तो डोमेन कैसे निकालते हैं, सीधे पता है y माइनस 2 इंटू में 1 अपॉन y माइनस, इसका डोमेन कितना हो जाएगा r, सही है साहब, इसका क्या होगा r माइनस 1, इसका इंटरसेक्शन लेना है क्योंकि 1 इसको नहीं ले सकते। तो यहां से जो रेंज आ गया, क्योंकि आपने जो वैल्यू निकाला है x का वैल्यू नहीं निकाला है, ये y का है, y का डोमेन है, हम लोग कह रहे हैं y का डोमेन लेकिन डोमेन नहीं होता, वो y का वैल्यू रेंज होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि y बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ 1। अब गड़बड़ ये हो गया, समझना चाहिए कि सर ये तो फाइनल आंसर है, लेकिन ध्यान रखना इस फाइनल आंसर में आपने इसको छोड़ दिया है,
सही है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे फाइनली क्या करना है कि x पे इस वैल्यू को रख करके y का वैल्यू निकाल लेना और उसको लेना या नहीं लेना है, नहीं लेना है। चलिए यही बात करते हैं। बिकॉज ऑफ y इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस टू अपॉन x माइनस वन एट x इक्वल टू तीन, यहाँ पे तीन देना है या नहीं लेना है, नहीं लेना है, वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू लेना नहीं। तो यहाँ पर रख लेते हैं y इज इक्वल टू तीन माइनस दो, नीचे लिखा तीन माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई टू, ये लेना है नहीं लेना, नहीं लेना, सही है। तो अपना इसलिए फाइनल आंसर जो आएगा रेंज का, फाइनल रेंज जो आ गया अपने सामने, y बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ वन कॉमा थ्री, चेक कर लीजिए भाई। तो वहां पे तो x माइनस थ्री कट गया, तो थ्री हटाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं तीन को नहीं हटाऊंगा तो आप तीन अगर किसी दिन गलती से रख दिए तो ये जीरो बाई जीरो बन जाएगा इनडिटरमिनेट। ओके सर, वन बाई टू को हटाएंगे ना सर, थ्री थ्री को हटाएंगे कि वन बाई टू को हटाएंगे? नहीं नहीं, ये यहाँ पे आपको वन बाई टू जो वैल्यू आ रहा ना, सॉरी थ्री मैंने हाँ मैंने ये गड़बड़ कर दिया, वन बाई टू हटाना वो एक्स वैल्यू नहीं लेना, वाई का वैल्यू जो तीन पे आया है वो वैल्यू लेना नहीं है, बिकॉज़ क्योंकि ये तीन जो था अपने डोमेन में था यहाँ पे, है ना, ये तीन डोमेन में था नहीं, इसलिए इस पे जो वैल्यू पिट आ रही है वाई की वो वैल्यू लेना है। चलिए इसका दूसरा तरीका भी है लेकिन वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस पर्टिकुलर ऐसा हुआ कि दो फैक्टर आ गया, फैक्टर आने से मेरा काम आसान हो गया। याद रखना इस क्वेश्चन को करने का तरीका कि अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और अगर फैक्टर आ रहे तो फैक्टर उड़ा देना, उड़ाने के साथ में आप वहां मना करेंगे कि भाई कौन सा फैक्टर को आपने उड़ाया है वो वैल्यू लेना नहीं है, यानी वो डोमेन में नहीं है, तो इस डोमेन में पर्टिकुलर वैल्यू पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो भी रेंज में नहीं होगा, क्योंकि डोमेन में है ही नहीं, और जो वैल्यू डोमेन में नहीं होता यानी जो एक्स डोमेन में नहीं है तो उस एक्स पे वाई कैसे मिल सकता है ना, तो इमेजिनरी बात नहीं करेंगे, जो है ही नहीं उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 11 के बाद है ना 12 आ गया, 12 के बाद 13, 13 भी डाउट होगा बच्चों का? यस सर। 13 किसी का डाउट है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अब देखिए बात एक छोटी सी मैं बता दूं आपको, कभी भी ना डोमेन और रेंज का, डोमेन का क्वेश्चन जो होता है ना डोमेन के लिए मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे एक फंक्शन दे रखा है फंक्शन जी एक्स और ना जी के अंदर एच एक्स, चलिए और ये कोई फाइव एक्स फंक्शन दे रखा है, बहुत अच्छे समझना इधर कुछ और बोलते हैं भाई साहब, कभी भी आप डोमेन निकाले ना, डोमेन निकालने के लिए जब जाएंगे डोमेन ऑफ फाइव का मतलब इस फंक्शन का डोमेन निकालना, तो कभी डोमेन निकालते हैं तो हम लोग इधर से जाते हैं, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, सही है। लेकिन होता क्या है कि इसी फाइव एक्स को अगर मैं बात करूं कि एफ ऑफ जी और अंदर में एच एक्स लिख रखा है, तो अगर मैं रेंज ऑफ फाइव बताऊं तो रेंज निकालने के लिए ना, हाँ रेंज निकालने के लिए हम लोग अंदर से बात करते हैं, पहले इसका निकालेंगे फिर इसका फिर इसका, मतलब आपको फाइनल किसी भी तरह फंक्शन पहुंच जाना है, सही है। तो इसी क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं कैसे पहुंचते हैं, एक चीज को समझना, बस आपको अंदर वाले फंक्शन का रेंज आना चाहिए, पता चला सर सब नहीं आता तो बहुत बेसिक सी बात है, बहुत दिक्कत होगा। जैसे मैं एग्जांपल बोर्ड पे लिखूं सही लोग फटाक से बता देंगे कि हाँ सर ये सब बेकार का क्वेश्चन है, ये सब हम लोग जानते हैं, ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, रेंज बताइएगा साहब, रेंज ऑफ फंक्शन सभी को याद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है ना। अच्छा मान लीजिए कुछ जोड़ रहे हो तो बस मान लीजिए यहाँ पे अल्फा जोड़ दिया तो यहाँ भी अल्फा जुड़ेगा और यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, सही है। चलिए अब क्वेश्चन पे ले लेते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्यान से क्वेश्चन क्या देखा आपके सामने, यहाँ पे दिया है y इक्वल टू log बेस में अंडर रूट 7 दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया रूट 2, यहाँ पे दिया sin x माइनस cos x, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे होल ब्रैकेट 5, है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, चीजों को समझते भाई, देखना अच्छे से, रेंज की बात करते, मैंने अभी सीखा था रेंज के लिए हमेशा अंदर से बात करें, अंदर में कौन से फंक्शन का आप रेंज जानते बस ये बता दीजिए। चलिए रेंज में सर ये फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, बस यहां से किसी भी तरह ना सर ये इस फंक्शन से यहां पहुंचना है और यहां से सीधा यहां पहुंचना है, और यहां पे पहुंच गया तो समझ लीजिए y के बराबर है, और y क्या है, रेंज का वैल्यू है, आराम समझते हैं भाई साहब। मैं पूछूंगा कि sin x माइनस ऑफ cos x इसका रेंज कहां से कहां होगा, तो आप लोग बताएंगे कि सर ये माइनस से अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और यहां से अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कई बच्चे समझ नहीं आ रहा होगा कि सर आपने तो इधर लिखा था a और यहां पे लिखा था y = a sin x और प्लस में लिखा था b cos x, सर ये तो धोखा है, बीच में माइनस लगा दिया आपने भाई साहब, ये दोनों के लिए वैलिड है, सही है। चलिए फिर समझते हैं, तो यहाँ पे मैं वापस इसको ऐसे ना लिख करके डायरेक्ट लिखता हूँ,
आप थोड़ा समझदार हैं तो यहाँ लिख रहा हूँ माइनस ऑफ रूट टू और यहाँ पे रूट टू। अब आपने क्या करा कि सर यहाँ तक आप पहुंच गए, इसका रेंज आ गया। अब कभी भी इस तरह का फंक्शन का रेंज निकालना हो तो अंदर से बात करें, यहाँ का रेंज आ गया। अब क्या करा इस सब इस फंक्शन के साथ मेरा रूट टू मल्टीप्लाई, तो रूट टू से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये मिल जाएगा फिर, तो मल्टीप्लाई बाय रूट टू, मल्टीप्लाई बाय रूट टू। जिस दिन मैं इसको ऐसा करूंगा तो ये भाई सब जाएगा माइनस ऑफ रूट टू इंटू रूट टू लेस देन रूट टू और होल फंक्शन है ना, होल फंक्शन क्या है साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। और ये आ गया रूट टू इंटू रूट टू। बहुत अमीर बच्चे ये जान रहे होंगे कि ये माइनस दो है और ये आ गया सर रूट टू, ये आ गया साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स और ये आ गया रूट टू की जगह पे टू, सही है। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए सर। अब यहाँ से पहुंचे सर मैंने देखा कि पांच भी जोड़ा हुआ है तो पांच जोड़ दो भाई, प्लस पांच बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ करने पे यह आ जाएगा पांच माइनस दो है ना, इधर आ गया रूट टू, यहाँ पे आ गया साइन एक्स और इधर आ गया माइनस ऑफ कॉस एक्स और इधर आ गया प्लस का फाइव और यहाँ पे लिखेंगे टू प्लस फाइव, किसी को डाउट नहीं है इसमें। अच्छा अब मैंने क्या करा कि सर यहाँ तक हम जब पहुंच गए तो यहाँ पे देखो ये तीन है और इधर देखो रूट टू, यहाँ आ गया साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस का रूट फाइव और ये आ गया सेवन। हम लोग यहाँ तक पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, मैं किसी को कोई इशू है तो बता सकता है कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग, मैंने बताया कि रेंज का क्वेश्चन हम लोग इनसाइड फंक्शन से आउटसाइड तक पहुंचते हैं और वो फंक्शन को हम लोग वाई के बराबर करते हैं और वाई क्या देगा रेंज, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब क्या करें, मैंने देखा सर इसके आगे है ना थोड़ा लॉग कर लिया गया, ठीक है। तो जब मैं लॉग लूंगा दोनों साइड में, अच्छा ये भी जरूर ध्यान रखना कि लॉग जब लेते हैं तो बेस पे बहुत फोकस रखना है, बेस अगर वन से छोटा होगा तो जिस समय आप लॉग है ना लॉग लेंगे तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज कर देगा, याद रखना। रिपीट करूंगा इस बात को कि लॉग का बेस अगर वन से छोटा होगा तो साइन ऑफ इक्वेशन के रिवर्स, और अगर साइन यहाँ पे लॉग का बेस अगर वन से बड़ा होगा तो एज इट इज साइन ऑफ इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सभी को पता होगा कि रूट सेवन जो है यहाँ पे ये वन से बड़ा होता है, ठीक है, इसमें कोई बात बताने की नहीं है। चलिए तो अब मैं क्या कर रहा हूँ लॉग ले लेता हूँ, तो मैंने लिखा लॉग रूट सेवन और यहाँ पे लिखा थ्री, ठीक है, और इधर लिया यहाँ लिखा लॉग रूट सेवन और यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूं रूट टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये आ गया प्लस का फाइव, है ना, ये प्लस का फाइव रूट ही है, ये प्लस का फाइव और ये लेस देन आ गया लॉग रूट सेवन सेवन। बहुत हद तक हम लोग पहुंच गए और इसको कंप्लीटली अच्छे से देखेंगे भाई, मन की आंखों से देखोगे तो ये आपको दिखेगा ये वाई है सर, सही है। अब देखो हम लोग पहुंच गए बहुत हद तक। अब एक छोटी छोटी बातें मैं अगर बता दूं कि लॉग बेस ए टू डी पावर एम और यहाँ बी लिखा हुआ तो आप इसको लिख सकते हैं कि सर ये लिखा हुआ वन बाई एम, ये नीचे आ जाता है भाई, सब याद रखना ये लिखा हुआ है लॉग बेस बी, सही है। चलो तो इसको फर्दर देखते हैं, तो वाई का वैल्यू कहां से कहा, यहां से लेकर के यहां तक, चलिए बात करते हैं। तो वाई जो आ गया अपने सामने लॉग रूट सेवन, रूट सेवन ना बोल के ये वन बाई टू लिखूंगा, है ना, और यहां पे लिख देता हूं तीन और ये लिख दिया हमने लॉग रूट सेवन और ये सेवन। सभी को पता होगा कि सर रूट सेवन का पावर क्या रखोगे, सेवन मिल जाए, दो रखेंगे तभी मिलेगा। तब इसको मैंने लिखा टू और ये लिखा वाई और ये आ गया आपका ये वन बाय टू, नीचे आ जाएगा यानी वन अपॉन वन बाय टू और यहाँ पे आ गया लॉग थ्री, ये टू ऊपर तो ये टू लॉग थ्री और यहाँ पे आ गया वाई लेस देन टू, चेक कर लीजिएगा, किसी को डाउट है तो मेरे को बता सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका याद रखा है, चेक कर लीजिए हाँ, यहाँ पे बेस सेवन है, मैंने इसको छोड़ दिया ये बेस सेवन यहाँ पे किसी को कोई डाउट किसी भी स्टेप में, किसी को कोई डाउट, हाँ ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद, है ना, साइलेंट हो गए सारे के सारे, क्वेश्चन इतना खतरनाक तो नहीं था। चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद, है ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा जिनका डाउट था, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए साहब ये क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है, किसी को भी कहीं छोटा सा भी डॉक्टर मेरा फिर से पूछ लीजिए कि सर ये समझ नहीं आ रहा है या बहुत तेज भागे जा रहे हो, है ना, तो डिस्कशन है और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि मैंने, है ना,
कभी भी आज तो ठीक है चलो कई लोग हो सकते हैं कि चैप्टर को रिवाइज नहीं किया होगा, मैं फिर से रिपीट आपको कर दूंगा कि कभी भी अगला चैप्टर आपको जब भी अनाउंस हो तो वो चैप्टर पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपके लिए बेनिफिट हो, कॉन्सेप्ट सब समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चंस करने हैं और जल्दी जल्दी से करना है और अच्छे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट को बस सीखते हुए निकल जाना है। ध्यान रखें कि अगले क्लास में जो भी चैप्टर होगा उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के रखेंगे आप, चाहे जो भी चैप्टर हो, ताकि आपको उसके कॉन्सेप्ट आते हो। ये नहीं कि मैं ये चीज लिख रहा हूँ और आप परेशान हैं कि सर ये कैसे हो गया, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, 14 में किसी को डाउट है कुछ? नहीं सर, नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं है सर, नहीं। नो सर। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आना 15। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं और ये 15 तो क्वेश्चन दे रखा है fx और ये दे रखा है आपके सामने cos of cos inverse fractional part of x। फिर से वही क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन और इसका रेंज निकालना। हमने तरीका भी सीखा कि रेंज का मतलब सर सिंपल सा बात हम समझते हैं कि भाई अंदर से जाऊंगा और बाहर तक पहुंचूंगा, fx को हम लोग y बोलते भाई, ठीक है, कोई नहीं जानता है ना, तो आज देख लेंगे, भली बात थी, अच्छा दर्शन हो गया fx equal to y, ठीक है। चलिए समझते हैं इस चीज को, ध्यान से समझना कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो हम लोग जानते हैं कि भाई फ्रैक्शन पार्ट का रेंज, आइए फिर से रिपीट कर देता हूँ, फ्रैक्शन पार्ट का जो ग्राफ होता है सभी को याद होगा बच्चे को झुंझुने इस तरह से ग्राफ, सही है। तो अगर मैं इसका रेंज निकालना चाहूँ तो रेंज आपको दिखेगा कि सर ये y का जो वैल्यू है ना, ये मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है, यानी क्या y जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है, यानी फ्रैक्शन पार्ट का जो रेंज है भाई साहब वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। इसमें किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकता है कि सर ये कैसे दिखेगा, ठीक है। तो अपने को अंदर वाले का रेंज पता चल गया, अब क्या करना है, इस रेंज में मैंने देखा बहुत अच्छे से कि सर इसके आगे इनवर्स कॉस लगाया, अच्छा अब कॉस लगाने से पहले समझना बेसिक सा कॉन्सेप्ट पे कि कॉस का ग्राफ सभी बच्चों को पता है ना, गांव वाले सभी बच्चों को पता है कि 0 से पाई के बीच में कॉस एक्स का ना कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, सही है भाई साहब, उल्टा फॉर, अरे सही है ना। अच्छा अब मैंने बताऊं कि अगर मान लीजिए ग्राफ आपको पता है तो आपको, मैं अगर पूछ दूं कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये पता ही नहीं चलता कि सर ग्राफ देख रही इंक्रीजिंग है, मैंने बोला था कि लेफ्ट से राइट चलना है, लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो देखेंगे कि सर ये लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये ग्राफ गिरता हुआ है, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। और मैंने आपको 3 पॉइंट बताया होगा फंक्शन के टाइम पे कि कोई भी फंक्शन का साइन ऑफ इक्वेशन तब चेंज होता है जब आप उसको डिक्रीजिंग मल्टीप्लाई करें या उसको रेसिप्रोकल करें या किसी डिक्रीजिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पे कॉस इनवर्स जीरो ग्रेटर देन साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, इसलिए साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, ठीक है साहब, ये चेंज होगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे कि फ्रैक्शनल पार्ट यानी कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन, है ना, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ cos inverse ये 1, सही है। अब बहुत अच्छा पता होगा कि cos inverse 0 का वैल्यू कितना होता है, cos inverse fractional part of x, और ये 1 कब होता है, 0 पे, 0 पे, अच्छा मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ, रिवर्स का मतलब बस इसको दिखने के लिए थोड़ा अच्छा दिखे मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सही है, और ये पाई बाय 2। अब देखते हैं ध्यान से कि इसके आगे क्या चिपकाया गया है, सर इसके आगे कॉस चिपकाया गया, चिपका दीजिए भाई, इसके आगे मैं कॉस चिपका लेता हूँ, y इक्वल टू लिखा हुआ है ना, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ कि कॉस ऑफ 0 है ना, और इधर लिख दिया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इसके नीचे जो लिखा हुआ है लेस देन कॉस ऑफ पाई बाय 2, सही है, तो कॉस 0 बन हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा भाई साहब, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कॉस 0 बन, और ये आ गया आपका कॉस ऑफ cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये आ गया 0, है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, cos इनवर्स 0 तो बन हो सकता है लेकिन कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है ना, इसको मैं एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे, यहां तक अगर आपने लिख लिया हो मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ यहाँ पे, यहाँ से चलिए यहां से मैं इसको फिर से देख लेता हूं, यहाँ पे लिख रखा हुआ है cos इनवर्स है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन पाई बाय 2, और ये आ गया 0, सही है। अब इसके अपने आगे क्या लगाना है, cos लगाना है, सही है, तो cos लगाने के बाद में अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये आ जाएगा cos 0, और यहाँ पे आ गया cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये आ गया cos पाई बाय 2, बताइए कितना आ रहा है, यहाँ पे ये cos आएगा, यहाँ पे cos आएगा, है ना, आप सिंपल सिंपल अगर जा
ये जो वैल्यू देगा, आप देख लीजिए कि ये वाला जो अंदर में जो वैल्यू रखा हुआ है cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही है। तो आप इसके आगे जब cos लगाएंगे ना भाई साहब इसके, यानी ये वाला जो वैल्यू दे रहा है ये 0 से लेकर के पाई बाई 2 के बीच में रखा हुआ है, तो आप इसका रेंज देखेंगे। अब इसका ग्राफ क्या लगाना है, यानी cos के अंदर में, मैं इसको स्टेटमेंट बता दे रहा हूं, cos के अंदर में ये जो आप रख रहे हैं यानी रेंज कैसे आता है, डोमेन देखेंगे तो रेंज आएगा। तो ये cos के लिए ये वाला जो वैल्यू है वो डोमेन का काम करेगा और ये रेंज का काम करेगा, सही है। इनपुट रखेंगे आउटपुट आ जाएगा। तो आप देखेंगे 0 से पाई बाय 2 इसको देना है, यानी cos के अंदर 0 से पाई बाय 2 के बीच में वैल्यू रखना है। तो 0 से पाई बाय 2 में कहां से आएगा, यहां से ग्राफ आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां से इसका आंसर जो आप लिख सकते हैं कि ये जो y इक्वल टू आया cos ऑफ cos इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, और इसका जो रेंज आएगा ये y बिलोंग्स टू, आप लिख लीजिएगा कि ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल 0 से लेकर के 1 ओपन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई लोग इसमें थोड़ा सा सस्पेंस में होंगे, मैं रिपीट करते रहूं, ध्यान से समझना कि जो आप यहां पे जो वैल्यू देख रहे हैं वो कॉस का ही है, यानी ये 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 इस कॉस के लिए ये वाला जो वैल्यू है ना डोमेन का काम करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसका डोमेन का काम करेगा, डोमेन आपका 0 से पाई बाय 2 में देख रहे हैं, ठीक है। तो सर आप वहां पे कॉस क्यों नहीं लगाया, उसको मिटा क्यों दिया, चलो उसको भी बारे में बताओ। 0 से पाई बाय 2 में आप देखेंगे तो यहां पे डिक्रीजिंग ग्राफ है भाई साहब, इसका ग्राफ डिक्रीजिंग है तो वापस कॉस लगाएंगे तो साइन ऑफ इक्वेशन रिवर्स हो जाएगा, सही है। तो यहां पे अगर आप लिखेंगे कि cos 0 और यहां पे आ जाएगा इधर से साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, यहां पे साइन ऑफ इक्वेशन चेंज होगा तो ये cos ऑफ cos इनवर्स यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ये आ जाएगा आपके सामने ग्रेटर देन cos पाई बाय 2, तो ये आ गया आपके सामने 1 और ये आ गया y और ये आ गया इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, किसी को डाउट है फिर से पूछ सकते हो कि सर ये नहीं समझ में आया, रिपीट कर दूंगा मैं वापस से। ये जो ग्राफ है आपका cos इनवर्स ऑफ, सॉरी cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x का, यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में खिंचवा रहा है आपसे ग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आंसर क्या देखा, किसी ने देखा, ए नंबर दिया हुआ सर। चलिए ठीक है, 0 से 1। चलिए आगे बात करते हैं, 15 के बाद किसी को डाउट है, 15 के बाद मैं आता हूं 16। क्वेश्चन नंबर 16, नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को डाउट, नो सर। नहीं सर, डाउट है किसी को, नो सर। नहीं सर, ठीक है। 16 के बाद 17, नहीं सर। परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, आपने पढ़ रखा है बिल्कुल, अगर कहीं फिर से डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, फिर से रिपीट करो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सर चलिए ठीक है हम लोग क्लास में बैठे हुए हैं, लाइव सेशन चल रहा है सर, कुछ अच्छा बात बोलने वाले हैं, जरा हम भी सुने और मजे ले हम लोग भी, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, चीजों को समझना है ना। चलो ठीक है, तो 16 के बाद मैंने 17 बोला, 17 में भी किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए 17 के बाद अगर डाउट नहीं है तब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन फंक्शन पे, ठीक है। 17 के बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं 18 पे, ठीक है। 18 में किसी को कोई डाउट है, यस सर। 18 में किसी को डाउट है, चलिए 18 का आ जाता हूँ सीधा सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसा देखा है 18 का जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ कि y इक्वल टू देखा है, यानी फंक्शन fx इक्वल टू देखा है x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5, नीचे लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब ये फंक्शन को देखना है कि ये 1 1 और 2 है या क्या है, ठीक है। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा इधर कांसेप्ट को रिवाइज करता हूं, चलो चीजों को समझना, सभी लोग बोर्ड पे देखो। चलो यहां पे देखा मैं बस चार फोटो बना रहा हूं आपके सामने, चार फोटो में आपको बस समझना है, चार फोटो में आपको समझना ये है। यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी है, ये 1 2 3 है, ठीक है, बेसिक से समझ लेना। यहाँ पे लिखा है ए बी सी, बात जा रही है सर, आ रही आ रही। चलो बहुत अच्छा, ध्यान देना ये ए बी सी दे रखा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से चीजों को समझना, ठीक है। चलो अब देखो इधर ज्यादा से, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 1 1 2 1 2 1 फंक्शन, दूसरा होता है many to 1 फंक्शन, many to 1 फंक्शन, बस सीधा समझना 1 to 1 का मतलब क्या होता है, बेसिक सा फंडा कि बस सेट बी के सारे एलिमेंट को है ना, सेट ये सेट ए है और ये बी है,
सेट बी के सारे एलिमेंट को सेट ए के तरफ से एक एक तीर लगना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं भाई साहब। सेट ए के सारे एलिमेंट अगर एक एक तीर मार रहे हैं सेट बी को तो वो वन वन फंक्शन, सिंपल सा बात, कोई फंडा इसमें नहीं लगाना, एक तीर लगा तो वन वन। अच्छा, गलती से किसी ने भी सेट ए का किसी बी के एलिमेंट को दो तीर मार दिया तो वो मिली, समझ में आ रहा है? सीधा याद रखना, किसी ने दो को तीर मार दिया मेरी, दो को तीर ना, किसी भी सेट बी के एलिमेंट को एक आदमी को दो तीर लग गया वो घायल, समझ जाना मेरी वन फंक्शन, ठीक है? और बस एक एक लगा वन वन फंक्शन है, आदमी जिंदा भाई साहब, एक से नहीं मर रहा हो, याद रखे चीज। अच्छा, ये वन वन और ये मिनिमन, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं, सुनना अच्छे से सर। फिर ऑनटू क्या होता है, ऑनटू फंक्शन क्या होता है? फिर दूसरा सर इनटू फंक्शन क्या होता है, समझना अच्छे से। onto का मतलब क्या होता है, onto फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें सेट बी के सारे एलिमेंट को तीर लगे, सेट बी के सारे एलिमेंट को तीर लगे, व्हाटएवर एक तीर लगे या दो तीर लगे, लेकिन लगना सभी को है, ठीक है? जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने एक फंक्शन रख रहा हूँ, ये 1 2 3 है, यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे डी ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए 5 है, ठीक है? तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि सर सभी को तीर लग रहा है, तो पहले दिमाग में यह कि सर एक एक तीर लगाया, सर तो एक एक लगाया तो सर वन वन फंक्शन, सही, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अच्छा, क्या सर इधर वाले एलिमेंट को सबको बराबर तीर लगा, सबको लगा है, कोई छूटा तो नहीं? अगर एक भी एलिमेंट नहीं छूटा है तो सर वो फंक्शन आराम से ऑनटू होगा, यानी वन वन प्लस ऑनटू, एक एक लगने का वन वन, सबको लगा ऑनटू। अच्छा, तो सर ये भी हो सकता है क्या, जरा देखिएगा इसको भी, मैंने क्या करा सर ए बी सी 1 3 लग दिया, यहाँ पे ए भी लिख दिया, सही सर। अच्छा, यहाँ बीच में सी ले लेते हैं, ये देखिए सर यहाँ पे है ना, यहाँ डी भी ले लेते हैं। सर देखिएगा जरा ध्यान से कि सर यहाँ पे आप क्या वन वन बोलेंगे या मिनिमम बोलेंगे, तो सर यहाँ ध्यान से देखिए, एक आदमी को तीन को रख, दो तीर लग गया, जैसे ही दो तीर लगा मैं फटाक से बोलूंगा सर वो मिनिमल है, चिल्ला पड़ा बेचारे को, दो बार लग गया भाई साहब, है ना, एक बार में लगने में कोई तकलीफ नहीं है, दो बार लगा तकलीफ होता है इंसान को, तो दो बार लग गया ही मिनिमल। अब सर एक बात बताओ, ऑनटू है या इनटू? सर एक बात बताओ, या इधर है? हाँ, सारे एलिमेंट को तीर लगा, बिल्कुल सर, सभी को लगा है, सबको लगा, ऑनटू फंक्शन। अब देखा, अगर मैं यहीं पे एक ई लगा दूं, अच्छा ई नहीं लगाता, अगर यहाँ पे 4 लिख दूं तो क्या 4 को तीर लगा है? क्या नहीं लगा, यानी इसके सेट बी का एक एलिमेंट भी छूट जाए तो समझ जाना वो इनटू है, सबको लगे ऑनटू, एक एक लगे वन वन, एक एक लगा सबको लगा वन वन ऑनटू, दो तीर लग गया किसी को और सबको लगाया तो मिनिमम इनटू, सॉरी मिनिमम ऑनटू। जैसे मिनिमम का भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, एग्जांपल तो लिख गए, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये आ गया मिनिमम, मिनिमम प्लस में ऑनटू, सबको तीर लगा इसलिए ऑनटू, एक को ज्यादा तीर लग गया इसलिए मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। सवाल अभी ये उठता है कि सर एक बात बताइए कि सर यहाँ पे आपने बोला ये वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन क्यों बोला, सबको लगा तीर, सर ऑन टू क्यों बोला, बराबर सबको लगा है और एक एक तीर लगा है, तो वन वन ऑन टू में जरा ध्यान से एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि सर एक बात बताओ, इधर वाले एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, इधर वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन। सर इधर वाले को क्या बोलते हैं, कोडोमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोडोमेन। अच्छा, लेकिन सर एक बात बताओ, ये कोडोमेन वाला एलिमेंट है लेकिन होता क्या है, डायरेक्टली आप देखिए कि रेंज कितना आ रहा है, तो रेंज देखिएगा 1 2 3 आ रहा है, इनपुट रखने पे 1 2 3 आ रहा है, यानी क्या हुआ कि रेंज और कोडोमेन बराबर है। जिस समय किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन बराबर होगा तो वो फंक्शन, ध्यान रखना कि वो ऑन टू कहलाता है, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि 1 1 भी है ऑन टू भी। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, याद रखिएगा ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, याद रखना इस बात को, ठीक है? अच्छा, लेकिन क्या होता है यहाँ पे इनटू के लिए अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि सर ये वाले फंक्शन में देखिए तो मिनिमम है लेकिन ऑनटू नहीं है, क्यों, क्योंकि 4 छूट गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रेंज आया आपका, रेंज ऑफ द फंक्शन, तो रेंज तो सिर्फ ये है सर, ये तो छूट गया, तो रेंज यहाँ पे छोटा है, इससे छोटा है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, सही है? यानी क्या, जिस दिन रेंज कोडोमेन से छोटा इनटू होगा, जिस दिन बराबर, होप आपको बेसिक मैंने बताया है, ये सब आइडिया आपको पता होगा पहले से ही। चलिए फिलहाल अब इसको मैं रब करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, अब जो क्वेश्चन है उसके आते हैं। देखा साहब, तो कभी भी इस तरह का फंक्शन आ जाए, इसको पहले देख लीजिए, ठीक है, आप समझिएगा जरा ध्यान से। अब करना क्या है कि इस तरह के फंक्शन में क्या करना होता है, बस बेसिक समझ लेना, कभी भी इस तरह का फंक्शन आ जाए और आपको पता ही नहीं चले कि इस तरह इसका ग्राफ भी नहीं आता इसका, है ना, इसका पता ही नहीं कि कौन सा तरीके से करें, तो एक बात याद रखना, इस तरह के काइंड्स ऑफ फंक्शन में बेसिकली 3 तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है? तो एक होता है क्या, मैपिंग होता है,
ठीक है, दूसरा आपको ग्राफ आना चाहिए, तीसरा अगर ग्राफ ये भी नहीं आता, मान लीजिए इस तरह का प्रोफाइल में नहीं है, तो तीसरा जो प्रोफाइल होता है वो मोनोटोनोसिटी से बात करते हैं, मोनोटोनोसिटी से। अब मोनोटोनोसिटी क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन, जस्ट बस एक बात कर रहा हूँ, ओरल बात कर रहा हूँ, अगर कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, तो बताइए दोनों ग्राफ में बेसिक सा बात आपने देखा होगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचेंगे, जैसे ही आपने लाइन खींचा तो एक जगह कटा, ध्यान से समझिएगा, जैसे जितना लाइन खींचो एक एक जगह कट रहा है, तो समझना अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर मैं लाइन खींच रहा हूं तो अगर वो एक ही जगह कट रहा है तो फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन सर मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसा रहा हो तो ये फंक्शन ध्यान से देखिएगा कि जीरो से मान लीजिए पाई बाई टू लिया, ये पाई लिया, ये कॉस एक्स का साइन एक्स का ग्राफ ले लिया मैंने, मान लीजिएगा कि जीरो से पाई बाई टू में देखिएगा तो ये ग्राफ बढ़ रहा है और इस ग्राफ में घट रहा है, सही है ना। तो ध्यान रखना कि अगर मैं लाइन खींचूं तो ये दो जगह कटेगा, तो दो जगह कटेगा तो समझ जाएगा वो वैल्यू मिला है, यानी क्या मिनिमम फंक्शन, ग्राफ से बेसिक बात था। तो ये ग्राफ की बिहाफ पे मैंने बताया, अब मोनोटोनी की बिहाफ पे कैसे करते हैं, सीधा सीधा रखना, अगर मोनोटोनी एफडेस एक्स निकालना है आपको, अगर ये एफडेस एक्स या तो जीरो से बड़ा आएगा या तो एफडेस एक्स जीरो से बड़ा होगा, अपने डोमेन में जो डोमेन दे रखा है उस डोमेन में अगर फंक्शन पॉजिटिव आता है वो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या वो डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग हुआ तो वन पर या डिक्रीजिंग हुआ तो भी, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों हो जाए अपने ही डोमेन में, यानी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे रखने पे, कुछ इंटरवल के लिए ये इंक्रीजिंग है, कुछ इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है, तो ऐसे कंडीशन में फंक्शन मिनिमम होता है, सही है। चलिए और बात करते हैं, तो बस क्वेश्चन क्या है उसमें ध्यान रखना, तो ये मैपिंग से नहीं है ना तो ग्राफ से, सीधा सीधा क्या करना है इसका डिफरेंशिएट कर देना, बहुत अच्छा, सभी को डिफरेंशिएशन आता है, चलो डी बाई डी एच लिखना है, यू बाई वी सभी को पता होगा भाई साहब, है ना, इसी का तो इंतजार था सर, ऐसा क्वेश्चन तो दे तो दीजिए, फिर देखिए हम लोग धूम मचाते। चलिए इसका होल स्क्वायर लिखा, पहले ये ऊपर जाके साइलेंटली चुपचाप बैठेगा, अपना जगह ले लेगा भाई साहब, है ना, ताऊ जी डिफरेंशिएट हो जाएंगे 2x plus 2, सही है साहब, बीच में माइनस आएगा, इसके बाद मैंने क्या करूंगा इस ताऊ को बैठा देना चुपचाप x square plus 2x plus 5 और इसका डिफरेंशिएशन कर देना, ये आ गया भाई 2x plus 1, किसी को डाउट नहीं है, यू बाई वी लगा के डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, डीएक्स है ना, डिफरेंशिएशन में आप लोग धुरंधर है, उसको डाउट नहीं। अब क्या करना है कि इस डिफरेंशिएशन को आराम से इसको सॉल्व करना है, आप देखना है नेट में ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है भाई साहब। चलिए अब ध्यान से देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, तो मैं इसको मैंने लिखा डी बाय डी एक्स, जरा मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना आएगा, तीन फैक्टर यहाँ से आएंगे, यानी तीन एलिमेंट यहाँ से आएंगे, तो आ गया 2x क्यूब, यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर, यहाँ से आ गया 2x, फिर से 2 से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, माइनस में इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपके सामने 2x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर, और यहाँ से आ गया आपका 10x, और ये प्लस मान में जब लूंगा तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई उतार दो यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, सही है साहब, किसी को कोई डाउट है फिर से पूछ सकता है। यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, फिर से बताओ क्यों कर रहा हूँ इसके, है ना, कभी भी आपको ग्राफ नहीं पता तो सबसे बेस्ट तरीका है कि डिफरेंशिएट मारिए और देख लीजिए कि ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग हुआ तो वन वन फंक्शन, और हम लोग फिर बाद में इसका रेंज निकालेंगे कि रेंज कितना आता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब हम लोगों ने देखा कि सर ये माइनस टू एक्स टू है, इसका बहुत ही जल्दी से इसका इंतजार कर रहा था, ये कटेगा, ठीक है, और देखते हैं, ये देखिएगा ध्यान से, फोर एक्स स्क्वायर, अच्छा ये चार एक्स स्क्वायर है, और यहां मैं दिखा रहा हूं 4x plus 1 5x, तो कितना बचेगा, माइनस का x स्क्वायर, तो फाइनली मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि dy / dx जो आपके सामने आ गया, यहां पे लिख देता हूं 4x स्क्वायर और यहां से माइनस का ये चला गया, तो ये आ गया माइनस का x स्क्वायर, है ना, हो सकता है मेरे से गलतियां हो, आप देखेंगे जरा ध्यान से, अच्छा ये आ गया 2x 2x 4x और यहां से आ गया 12x, है ना, और माइनस लगाओ तो घट करके माइनस का ये सब। अगला बात करते हैं, ये दो दे रखा है और ये देखा हमने पांच, यानी दो में से पांच गया माइनस तीन, ये माइनस तीन, अगर मैं लिख दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी फाइनली अपने पास जो डीवाई बाई डी एक्स बचा साहब, ये देखेंगे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एट एक्स सॉरी प्लस ऑफ एट एक्स प्लस थ्री, नीचे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे एक्स और प्लस का वन का होल स्क्वायर, ठीक है साहब, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। अब जो फंक्शन दे रखा है हम लोग देखते हैं कहां से कहां में डिफाइन, ये फंक्शन जो डिफाइन है साहब एफ आर से आर में डिफाइन है, यानी क्या, इसका जो डोमेन दे रखा है ये डोमेन होता है और ये क्या होता है, वो डोमेन होता है, सही है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस डोमेन में ये फंक्शन, ध्यान से समझना भाई साहब, इस डोमेन में ये फंक्शन, आप आर का मतलब हुआ एक्स का कुछ भी वैल्यू ले लो, आप देखना कि ये फंक्शन डीवाई बाई डी एक्स आगे कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये डायरेक्टली नहीं कहेंगे भाई साहब कि ये फंक्शन आगे नेगेटिव आ गया सर इसलिए डिक्रीजिंग है, आपको इसके बारे में भी देखना पड़ेगा, ये हो सकता है किसी पॉइंट पे नेगेटिव देगा तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा,
यानी क्या हो रहा है समझना कि इस इंटरवल में डोमेन का यानी x belongs to r में किसी पॉइंट पे पॉजिटिव है किसी पॉइंट पे नेगेटिव है, यानी ये ग्राफ कैसा आ रहा, पॉजिटिव भी दे रहा है नेगेटिव भी दे रहा है। तो आपको ध्यान होगा कि मैंने कुछ देर पहले ऐसा बताया था कि जीरो से पाई में आप देखिएगा जरा ध्यान से कि जीरो से पाई बाय टू में ये पॉजिटिव दे रहा है यानी इंक्रीजिंग है और पाई बाय टू से पाई में डिक्रीजिंग है, और अगर मैं लाइन खींच दूं तो ये मिनिमम सही है, तो ये इंक्रीजिंग भी देगा और डिक्रीजिंग भी देगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे से आराम से पूछ सकता है, सही है। तो यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, यानी क्या दोनों तरफ का फंक्शन ऑप्ट कर रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये फंक्शन कहलाएगा मेनीवन फंक्शन, मेनीवन फंक्शन। अब देखना है मेनीवन, अब देखना सर कि ये ऑन टू है कि एन टू है, यहां तक में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया क्या कर दिया आपने, देख लीजिए तो फिर कनेक्टेड हो तो बस, हाँ कनेक्टेड हो तो अच्छा, अभी किसी को भूख तो नहीं लगा हुआ है, नहीं लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव देने के बाद ये माइनस में आएगा तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकता है। तो कभी भी इस तरह का है ना अंदर इस डोमेन में नेगेटिव पॉजिटिव फ्लक्चुएशन आ जाए तो समझ जाना वो मेन होता है, ठीक है। तो अगर ये मिनिमम फंक्शन है तो मिनिमम के साथ साथ में अब यहाँ पे देखना कि ये ऑन टू है या इन टू है, तो मैंने बताया था कि अगर रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो वो ऑन टू होगा और अगर उसके बराबर नहीं होगा तो वो इन टू है, ठीक है। अब इसका बात ये आ जाता है कि सर इसका रेंज कैसे निकाला, तो आपको याद होगा कि रेंज किस तरह के क्वेश्चन में पहले ही इसको सॉल्व करके बैठे हुए थे जिसमें हमने एक फैक्टर काट दिया, यहाँ पे फैक्टर नहीं मिल रहा। चलिए तो फिलहाल मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, रेंज का क्वेश्चन इसमें कैसे करना है बस इसको मैं बिठा देता हूँ, फिर भी सॉल्व कर, ठीक है। आइए जरा देख लेते हैं इसको जल्दी से। अच्छा इसका रेंज का क्वेश्चन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपको बताया था कि आप एक्सप्रेस करें एक्स एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई, जल्दी से मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, ध्यान देना मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे वाई आया, इधर से एक्स स्क्वायर तो ये वाई माइनस था, ठीक है। चलिए अगला देख रहे हैं प्लस का बीच में, यहाँ पे एक्स कॉमन लिया, यहाँ से ये वाई और यहाँ से ये माइनस टू, ठीक है, प्लस में आ गया वाई है ना और इधर से आ गया माइनस फाइव और इक्वल टू जीरो। आपको ध्यान देना होगा कि ये क्वाड्रेटिक है, किसमें क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना। अच्छा अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है सर, यहाँ पे बताइएगा जल्दी से एक्स के रूट्स कैसे हैं, रूट्स कैसा है, रूट्स कैसा है सर, रूट्स कैसा है, बस सिंपल सी बात है, इस बात से ध्यान देंगे कि फंक्शन ऐसे दिया रखा था, यानी ये डोमेन कितना था, डोमेन आर था, और डोमेन अगर आर है तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात कर रहे हैं, यानी ये रूट्स कैसे इसके रियल है, और वो भी क्वाड्रेटिक का रूट्स अगर रियल है तो आप लोग जानते हैं सीधा अपना बाबा आएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाएगा, सही है। डिस्क्रिमिनेंट, अब डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही आप लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट का क्या मतलब होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, तो बी स्क्वायर ये वाई माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फोर ए इंटू सी, यानी वाई माइनस वन और यहाँ से आ गया वाई माइनस फाइव ग्रेटर इक्वल टू जीरो। और एक बार छोटा सा जरूर बताना चाहूंगा कि ये वाई नॉट इक्वल टू वन फिलहाल के लिए लिख लेता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है, ओपन कर लीजिए वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस का फोर माइनस ऑफ, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ गया फोर वाई स्क्वायर और ये आ गया माइनस का ट्वेंटी फोर वाई है ना, माइनस फोर ट्वेंटी फोर वाई और ये आ गया प्लस का फाइव इंटू ट्वेंटी है ना, ये प्लस का ट्वेंटी आ गया, ठीक है। किसी को इसके बाद क्या हुआ, इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा माइनस का थ्री वाई स्क्वायर, माइनस का थ्री वाई स्क्वायर, अब ये आ गया माइनस का थ्री वाई स्क्वायर, माइनस का प्लस चौबीस और ये आ गया प्लस का बीस वाई, सही था, प्लस का बीस वाई आ गया और यहाँ पे चार है और यहाँ पे माइनस बीस है, माइनस का सोलह, सही है ना, माइनस का सोलह ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और यहाँ से पॉजिटिव कर लीजिए इसको, यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो दिखेगा आपको थ्री वाई स्क्वायर और यहाँ से आ गया माइनस का ट्वेंटी वाई और यहाँ से आ गया प्लस का सोलह, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो, सही है साहब। अब ध्यान समझना है, इसको कोई भी फैक्टर करोगे ना भाई तो याद ध्यान देना, इसको फैक्टर अगर आप करते हैं तो फैक्टर जरूर होगा, क्यों होगा वो भी बता देता हूँ, क्योंकि फैक्टर करेंगे तो इसका डी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी एक क्वाड्रेटिक है जिसमें डी पॉजिटिव है, यानी रूट्स रियल आएंगे इसके, तो फैक्टर पॉसिबल है। अब फैक्टर अगर पॉसिबल है तो मान लीजिए इसके रूट जो आंसर आ रहे हैं वाई के, एक मान लीजिए अल्फा आया वाई इक्वल टू बीटा है, दो ही आंसर आएगा, ऑब्वियस बात है। अब इसको देखिएगा नंबर लाइन पे अगर आप सजाएंगे तो ये आ गया अल्फा और ये बीटा, मान लिया कि ये ज्यादा बड़ा है और ये उससे कम, सॉरी ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये आ गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो देखिए अपने को जाना किधर है, नेगेटिव की तरफ, यानी वाई बिलोंग्स टू कहां से आ गया, अल्फा से बीटा। अब ध्यान से देखिएगा कि जो इस फंक्शन का जो रेंज आया ये बस इतना ही सिमट के रह गया, और जो रियल में फंक्शन का जो दे रखा था जो जहां से डिफाइन है वो देखिए कोडोमेन कितना दे रखा है, कोडोमेन पूरा फैला हुआ है आर यार, और ये कितना दे रखा है अल्फा से बीटा, क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं, जब बराबर नहीं है तो सर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा इन टू होगा, यानी हम लोग को फाइनल आंसर क्या होगा, मिनिमम इन टू फंक्शन, चेक कर लीजिए जरा, सही है सर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भाई साहब, है ना, इसके पीछे का रीजन जरूर ना भूल मत जाना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वाई रेंज आपका बस सिमट के रह गया, लेकिन है ना कोड में कितना देखा यहाँ पे आर दे, बहुत ही बड़ा है और ये बहुत उसका कह सकते सबसे आ गया, यानी छोटा है वो, छोटा रहकर इंटू हो जाते हैं। बहुत सही, इसके बाद स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए आप, है ना, कोई थक गया हो तो वो भी बता सकता है कि सर बस करो खाना पढ़ लिया बहुत आराम से, कल देखेंगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन तक कंप्लीट कर लें, अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। 19 नंबर में किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। नो सर। हाँ 19 में कोई डाउट नहीं भाई, चलो 19 के बाद में मैं इधर आ जाता हूँ। 20 में किसी को डाउट है? नहीं सर। 20 में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। कई बच्चे इसमें स्किप कर रहे हैं, 20 में डाउट है तो बोल रहे नहीं, अगर मैं पूछूंगा तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर कैसे होगा समझ नहीं आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं आता तो कोई इशू नहीं है ना, इसको स्किप नहीं करेंगे ठीक है। चलो कोई बात नहीं, किसी का डाउट ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 21 यस सर। 21 में डाउट है किसी को? यस सर। चलो ठीक है 21 देखते हैं। 21 देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सीधा सीधा लिखना है इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव कहां दे रखा है वो भी समझना है। ए फंक्शन दे रखा है कुछ इस तरह से, सेट दे रखा है एक्स इस प्रकार से कि एक्स का जो वैल्यू लेना है वो -1 से 1 लेना है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इसी में आपको बताना बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है मैं बता दूं, पहले तो फंक्शन 1-1 होना चाहिए और प्लस में 1-2, 1-2-1, है ना, 1-2-1 प्लस 1-2, जिस दिन ये दिखेगा अपने पास बाइजेक्टिव निकल के आ जाएगा, यानी फंक्शन को प्रूव कर देना भाई साहब कि ये 1-1 दिया है 1-2 दिया। अच्छा 1-2 होने के लिए आपको मैं सीमा बात कर दूं कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू कोटो में होना चाहिए, 1-2 का ये कंडीशन है। चलिए सिंपल सा, असल इसका क्या मतलब है कि ए इटसेल्फ का क्या, एक वर्ड लिखा हुआ है ए इटसेल्फ, यानी सीधा समझना है कि फंक्शन डिफाइन है ए से ए तक ही डिफाइन है, ए इटसेल्फ का मतलब ये होता है ठीक है, कि बस अपने को क्या है ना यहां से यहां देखना है। चलिए अब बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पूछ रहे हो। तो पहला फंक्शन दे रखा है वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू, अपने को डोमेन कितना दे रखा है भाई -1 से 1, रेंज भी कितना, सॉरी कोडोमेन भी कितना दे रखा है -1 से 1, डोमेन -1 से 1 भी है और डोमेन भी -1 से 1, बस इतने के बीच में। अच्छा इसका मतलब ये होता है, डोमेन का मतलब होता है कि ग्राफ आपको इसी के बीच में बनाना है, इससे ज्यादा फैलाव नहीं होना चाहिए। आप ये x बाई टू का ग्राफ बना लेते हैं भाई, तो आपको सभी को पता है x बाई टू का ग्राफ कैसा होता है, -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे ले लेते हैं, ये 0 पे 0 देगा -1, 1 पे ये 1/2 देगा, ये 1/2 है ना, यहाँ पे 1 पे 1 रखोगे x का वैल्यू तो ये y का वैल्यू आएगा 1/2 ठीक है, और -1 आप रखोगे तो ये आ जाएगा -1/2 ठीक है। चलो ये पहला ग्राफ हो गया। सर ये ग्राफ कैसे बन गया, ग्राफ बस बेसिक सा, बस इस पर डाउट नहीं होना चाहिए, वाई इक्वल टू एक्स बाय टू ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स है ना, ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन कहां से कहां के बीच में बनाना है सर -1 से 1, तो -1 रखा आपने तो 1/2 मिला, -1 रखा तो -1। अब देखना है कि सर ये फंक्शन वाकई में क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। चलिए मैंने अभी सिखाया था कि लाइन खींच देना है, क्या एक जगह कट रहा है, हाँ एक जगह कट रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो 1-1 हो गया। अब देखना कि 1-1 होने के साथ में क्या ये रेंज कोडोमेन के बराबर होगा, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो फंक्शन 1-2 कहलाएगा, तो अगर मान लीजिए इस तरह से 1-1, 1-2 हो गया तो बाइजेक्टिव ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका रेंज, रेंज देखिएगा बच्चा, मैं इसको बस इधर दिखा देता हूँ वापस, ये ग्राफ यहाँ तक आ रहा है, ये 1/2 यहाँ मिला, ये -1/2 यहाँ मिला। चलिए बात करते हैं जल्दी, सॉरी ये -1 है तो ये -1 पे -1/2 यहाँ मिला, तो रेंज अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ का रेंज कहाँ से आ रहा है, -1 से 1 तक है ना, सॉरी -1 से 1/2 तक, -1/2 से 1/2 तक, क्या रेंज जो आया क्या वो कोडोमेन के बराबर है, नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, गलत हो गया। कोई किसी को डाउट इसमें बेसिक सा भी कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस दिए हुए कंडीशन में आपको ग्राफ प्लॉट करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग और उसका ग्राफ प्लॉट करके चेक कर लेना कि एक जगह कट रहा है तो 1-1, रेंज चेक कर लेना, रेंज माने हाइट, हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ द ग्राफ अगर आपको पता चल जाए किसके बराबर है तो 1-1 ठीक है। चलिए दूसरा ग्राफ देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है, दूसरा ग्राफ आपको दे रखा है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, हाँ तो ये तो है नहीं इसीलिए अपने काम कर। चलिए दूसरा ग्राफ क्या दे रखा है, वाई जो है ना एस एक्स इक्वल टू मॉड एक्स,
hx equal to mod x. अब mod x कहां से कहां बनाना आपको सभी को पता है, माइनस वन से लेकर के वन के बीच में बनाना, जीरो पे जीरो देगा, वन पे ये वन देगा, ठीक है, माइनस वन पे भी ये वन ही देगा भाई साहब, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मॉड है, माइनस वन पे भी वन ही देगा ये। अब देखिए इधर ध्यान से, ये एक जगह कट रहा है, दो जगह कटने का नाम मिनिमल, ये तो हो ही सकता है आराम से। अगला क्वेश्चन उसी में देखते हैं, लास्ट ऑप्शन एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सभी को ग्राफ पता होगा, माइनस वन से वन के बीच में इसका ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर का, वन इधर ले लेता हूँ, माइनस वन, वन रखने पे ये वन देगा, माइनस वन रखने पे भी ये वन ही देगा, ग्राफ लाइक दैट, इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा, ये भी कैसा है, मिनिमल है। तीन ऑप्शन कट गए, लास्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हैं। नो सर। ठीक है, चलिए 22। यस सर। 22 में किसी को कोई डाउट? यस सर है। चलिए ठीक है, 22 देख लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, फंक्शन दौड़ा रहा है यहाँ से पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू से कॉमा, डी पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू से दौड़ा करके फंक्शन को लेके गया है यहाँ तक माइनस वन से वन, सिंपल सी बात है, ये हमारा कोडोमेन है और ये डोमेन ऑफ द फंक्शन, डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन कौन है, फंक्शन दे रखा आपके सामने साइन के अंदर 2x+3 और 2x+1 दे रखा है। अब इसने आपसे पूछा कि बताओ भाई साहब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, 1 2 है, किस तरह का फंक्शन है, मेरे को बताइए। सिंपल सा भाई साहब, इसका ग्राफ किसे, साइन एक्स का ग्राफ आता है, लेकिन आता है ग्राफ, इसके बाद आपको देखना है कि डोमेन में कहां जाना है, डोमेन के अंदर, डोमेन आपको इजाजत देता है कि फंक्शन का ग्राफ कहां से कहां जाएगा, ये नहीं कि सर पेन उठाया मुंह खोला जहां तक था ना कितना है खींचते चले गए, नहीं एकदम नहीं, फंक्शन का ग्राफ डोमेन के अंदर बनेगा। चलिए तो आप देखते चले जाते हैं, इस पॉइंट पे जरा चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू पहला वैल्यू लेते हैं, चलिए एट x इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 पे चलिए ग्राफ देखते हैं फंक्शन का क्या वैल्यू देता है। तो ये fx है आपके सामने, हां fx नहीं, f के अंदर में पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 रखा, तो ये आ गया 2 * में पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, सही है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये माइनस 1 दे रखा है, 1 है, प्लस 1 दे रखा। अब 2 को एंट्री कराइएगा तो आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 और 2 से 2 कटा माइनस 1 प्लस 1, ये से ये कैंसिल आउट, साइन के अंदर में बच गया पाई बाय 2, इसका भविष्य बना गया भाई, यानी क्या, रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू 1 है, यानी क्या वाई का वैल्यू 1 मिला। अच्छा सुनते दूसरा, एट एक्स इक्वल टू हम लोग देखते हैं 3 पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, चलिए एफ के अंदर में ये वैल्यू रखना है और इक्वल टू फंक्शन में ये वैल्यू रख देना है, ठीक है, ये वाला वैल्यू रख देना है, या क्या साइन इधर में रख लेता हूँ या क्या 2, जगह की कमी थोड़ा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो साइन के अंदर लिख रहा हूँ 2 * में 3 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस का 1। आइए सभी लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2 और अंदर जाने के बाद माइनस 1, वहां पे आ गया प्लस 1, ये कट गया, ये आ गया साइन 3 पाई बाई 2, यानी भवार सभी लोग को पता माइनस 1, सही है साहब, रिपीट कर रहा हूं, तो रेंज आ गया इसका 1 और ये माइनस 1, तो यानी माइनस 1 से 1 के बीच में दौड़ना है, ये ग्राफ यहां से आ रहा है। अब ग्राफ सिंपल से बात कर लेते, चलिए ग्राफ देख लेते हैं, तो ये है पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 और ये है आपका 3 पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, बस अब देख लीजिए ये दोनों पॉइंट को मैंने देख लिया कॉर्नर पॉइंट पे, इसके बीच में ग्राफ बनेगा, तो जब आपने ये वाला वैल्यू रखा तो फंक्शन का वैल्यू बन गया यहाँ पे मिला भैया, ठीक है, और ये वाला वैल्यू रखा तो कितना मिला माइनस 1, सही है साहब, तो ये मिला माइनस, आपका ग्राफ कैसा आ जाएगा चीजों को समझना भाई साहब, ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ आपको मिलेगा यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये ढलता हुआ ग्राफ क्यों मिला सर आपको पता है, मैं देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये इस तरह से साइन एक्स ग्राफ को सबको पता होगा ऐसा, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2, सही है, तो ये वाला वैल्यू से ये वाला वैल्यू यानी माइनस 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे ग्राफ तो लग गया ऐसे जाना वाला। अब देखिए जरा ये 1 1 है क्या, हाँ 1 1 है सर, क्या देखिए इसका ये रेंज 1 है और यहाँ पे कितना है माइनस 1, तो रेंज देखिएगा तो माइनस 1 से 1, सर ये 1 1 है ये तो पता चला, प्लस इसका जो दे रखा है कोडोमेन, कोडोमेन कितना है माइनस 1 से 1, तो क्या ये रेंज के बराबर आ गया क्या, तो फंक्शन कैसा हो गया ऑन टू, ऑन टू, कोई डाउट आराम से पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को, चलिए बहुत बढ़िया है, इसके बाद अपन जो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज काइंड्स ऑफ फंक्शन में, लास्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है पूछ लीजिए, 23। यस सर।
23 में अगर डाउट है तो आप देख लेना कि कितना एलिमेंट देखा है, 106 एलिमेंट। और इटसेल्फ का मतलब अभी कुछ देर पहले ये बात बोला था कि इटसेल्फ बोले तो फंक्शन मान लीजिए कि ए इटसेल्फ होगा, ए इटसेल्फ, ये खुद से ही अपने आप साथ फंक्शन डिफाइन कर रहा है, कोडोमेन और डोमेन अपने साथ में रख रहा है। तो बस आपको ऐसे लिख देना ए से ए, और ए के अंदर देखिएगा तो जो एलिमेंट दे रखे हैं 106, बस आपको सीधा रिपीट कर दे रहा हूँ। बाइजेक्शन फंक्शन के लिए कभी भी बोले कि कितने बाइजेक्शन फंक्शन मिले तो आपको देखना कितना एलिमेंट दे रखा है, सही है, कितने एलिमेंट दे रखे हैं, बस उसी का आपको फैक्टोरियल लगा देना भाई साहब, चीजों को समझ लेना। लिख लो भाई साहब, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, इसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप थोड़ा सा रट लोगे फिर बाद में फिर समझ नहीं आएगा। जैसे मान लो कि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, किसी दूसरे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो ए से बी में कितने एलिमेंट, हाँ कितने ऐसे फंक्शन होंगे जो बाइजेक्टिव होंगे। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1, 1, 1, 2। तो याद रखना जो एन लिखा हुआ है जो दूसरे वाले यानी कोडोमेन के एलिमेंट होंगे उसी का फैक्टोरियल लगाना। तो बाइजेक्टिव यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बाइजेक्टिव इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 106 इसमें भी है, 106 इसमें है, इसलिए दोनों की तरफ से 106 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज काइंड्स ऑफ फंक्शन तक ही पढ़ते हैं, और अगले क्लास में जो भी चैप्टर होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी तक में किसी को कोई डाउट है आराम से पूछ लेना, और रिपीट कर रहा हूं फिर से, जहां तक अगले क्लास में डिस्कशन होना है वहां तक के बहुत अच्छे से कॉपी कंप्लीट कर लो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके सामने, टाइम है कि चैप्टर को बहुत ही जल्दी जल्दी से रिपीट करके जल्दी जल्दी से उसको खत्म करके तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है आराम से पूछ लेना, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कॉपी अच्छे से रिवाइज करें फिर क्वेश्चन को यहाँ पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ ना कि आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी आपने सब पढ़ रखा है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है ना तो आराम से भी शेयर कर लेते हैं, एक मिनट हम लोग है यहाँ पे।